गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ओके okay, अभी देखो कि आज हम सीखने वाले हैं फ्लेक्सी फ्लैक्सी फिट ब्लाउज यानी अगर हमारी साइज थोड़ी सी आगे पीछे यानी समझो कि मेरी चेस्ट थर्टी थ्री है पर मेरी साइज थोड़ी सी ज़्यादा हुई है थर्टी फोर जितनी चेस्ट हुई है तो मुझे स्टिच ओपन करने की जरूरत नहीं है अगर हमारी चेस्ट थोड़ी सी माइनस यानी समझो कि मेरी थर्टी टू थर्टी टू एंड हाफ इंच जितनी अगर मेरी बॉडी थोड़ी सी कम हुई है फिर भी हमें स्टिच ओपन करने की जरूरत नहीं है तो ऐसा हम क्या करेंगे कि हमें स्टिच ओपन ना करना पड़े ओके तो अभी हम देखेंगे कि साइड में लास्टिक कैसे लगाना है मतलब इस टाइप का ब्लाउज सीखने वाले हैं तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट कैसे लेना है वो देखना है क्योंकि सब लोगों का मेजरमेंट लेने का तरीका अलग अलग होता है अगर हमारा मेजरमेंट ही सही नहीं है तो जो हम ड्राइंग करेंगे वो भी हमारा गलत होगा और जो हम कटिंग स्टिचिंग करेंगे वो सब कुछ हमारा गलत जाएगा तो हमें पहले से ही देखना होगा कि हम कौन से कौन से पॉइंट पे गलत कर रहे हैं या फिर हमें कौन से कौन से पॉइंट पे ध्यान देना है तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि मेजरमेंट कैसे लेना है अब इसमें और एक डाउट होगा कि मेरी साइज कम है आपकी आपकी साइज साइज ज्यादा है 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 तो तो उससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी कोई भी है। आप मेजरमेंट तो आपको सेम ही तरीके से लेना है जैसे अभी मैं सिखाने वाली अभी मैं आपको मेरी बॉडी पे ऊपर मेजरमेंट लेना सिखाऊंगी अगर आप दूसरों के ऊपर भी मेजरमेंट ले रहे हो तो सेम तरीके से ही मेजरमेंट लेना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेजरमेंट कैसे लेना है ब्लाउज का तो हम पहला मेजरमेंट लेंगे लेंथ का और लेंथ का मेजरमेंट हमें कहां से लेना है तो जो भी हमारा सोल्डर यहाँ पे हमारा जो भी शोल्डर होता है उसका हमें सेंटर लेना है सेंटर पे हम मेजर टेप रखेंगे और मेजर टेप बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं बहुत ज्यादा आगे भी नहीं रेगुलर हम मेजर टेप रखेंगे और उसके बाद हमें जो भी हमारी लोअर चेस्ट यानी जहाँ पे भी हमारी चेस्ट एंड हो रही है वहां तक हमें मेजर टेप को लेके जाना है और उसके बाद आपको जितनी भी ब्लाउज की लेंथ पसंद है वो आप रख सकते हो और लोअर चेस्ट से आपको ब्लाउज की लेंथ वन एंड हाफ इंच जितनी तो ज्यादा रखनी ही है पर आप टू इंच तक भी जा सकते हो तो मेरी लोअर चेस्ट आ रही है थर्टीन इंच तो मैं ब्लाउज की लेंथ रखूंगी फिफ्टीन इंच और आपको ब्लाउज की लेंथ का मेजरमेंट कैसे डिसाइड करना है यहाँ से हम मेजरमेंट मेजर टेप को छोड़ सकते हैं आपको यहाँ से डिसाइड करना है कि आपको ब्लाउज की लेंथ कितनी पसंद है आपको जितनी भी पसंद है वहां पे देखना है कि यहाँ पे कितने इंच आ रहा है वो आपकी ब्लाउज की लेंथ रहेगी तो मेरी ब्लाउज की लेंथ है फिफ्टीन इंच इसके बाद एक ही साथ में हम मेजरमेंट लेंगे शोल्डर टू एपेक्स और नेक डीप का तो शोल्डर टू एपेक्स ओके। okay.

तो देखो कि ऐसे मैंने डिसाइड करा कि मुझे यहाँ तक नेक पसंद है तो मैं यहाँ से चेक करूंगी कि यहां पे कितने इंच 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 आ रहा है 7 तो हमारा नेक रहेगा इसमें आप सबका क्वेश्चन होगा कि क्या यही मेथड नेक डी लेने की सही है ऐसा नहीं है कि यही सही है ऐसे आप जो लेते हो वो भी सही है पर इसमें एक मिस्टेक हम बड़ी करते हैं कि हम जो मेजरमेंट यहाँ से लेते हैं जैसे कि तब हमें नहीं पता है कि हमारी मेजर टेप यहाँ कहाँ होती है पर जब हम मार्क करते हैं तो कहीं अलग जगह से करते हैं तो हमारा नेक डीप में डिफरेंट हो जाता है तो मेरे हिसाब से ए वाली मेथड बेस्ट है अब इसके बाद हम मेजरमेंट लेंगे चेस्ट का तो मेजर टेप को हम पीछे की साइड रखेंगे इस तरह से यानी जहां पे भी हमारा चेस्ट का मिडिल पॉइंट है वहां पे ही हमारी मेजर टेप होनी चाहिए मेजर टेप बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं होनी चाहिए अब इसके बाद जो भी हमारा चेस्ट का मिडिल पॉइंट है वहां पे हमें मेजर टेप को रखना है खींचना नहीं है रेगुलर ही हम मेजर टेप रखेंगे तो यहाँ पे मेरा आ रहा है थर्टी थ्री इंच ओके तो आप देख सकते हो कि हमारी मेजर टेप लूज भी नहीं है और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं है अब इसके बाद हमें यहाँ पे वेस्ट का मेजरमेंट लेना है तो वेस्ट वाला मेजरमेंट हम पे लेंगे जहां पे भी हमारी लो चेस्ट है उससे नीचे मैंने लेंथ ली टू इंच तक ओके तो वहां तक वहां पे ही मैं मेजर टेप रखूंगी

ए वाला मेजरमेंट लेना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा जो भी यहाँ पे पॉइंट बने वो बाहर भी ना चला जाए या अंदर ना चला जाए इसलिए हम एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लेंगे अब इसके बाद हमें मेजरमेंट लेना है रेडी शोल्डर का रेडी शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लेंगे उससे पहले हमें फुल शोल्डर का भी मेजरमेंट लेना पड़ेगा तो पहले हमें मेजर टेप को पीछे की साइड रखा है और यहां से हम चेक करेंगे कि हमारा फुल शोल्डर का मेजरमेंट कितना आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा फुल शोल्डर का मेजरमेंट आ रहा है फोर्टीन एंड हाफ इंच और इस तरह से चेक करना है कि ऐसे हमारा हाथ स्ट्रेट है इसके सेंटर से आपको इस तरह से फिंगर को ऊपर की साइड लेके जाना है तो जो आपको फुल शोल्डर मिलेगा वो एकदम परफेक्ट मिलेगा अब इसके बाद ही हमें रेडी शोल्डर का मेजरमेंट लेना है तो यहाँ से ही हम मेजर टेप रखेंगे और यहाँ तक आपको जितना भी शोल्डर पसंद है यानी नेक आपको जहाँ तक भी पसंद है वो आप रख सकते हो जैसे कि मुझे समझो कि यहाँ तक पसंद है तो अब मैं दोनों के बीच का गैप देखूंगी कि मेरा यहाँ पे गैप कितना आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा दोनों के बीच का गेप आ रहा है थ्री पॉइंट ट्वेंटी फाइव तो मेरा रेडी शोल्डर होगा थ्री पॉइंट ट्वेंटी फाइव पर अगर किसी को नेक यहाँ तक पसंद है तो इसका रेडी शोल्डर होगा टू एंड हाफ इंच किसी को और भी कम पसंद है तो उसका रेडी शोल्डर होगा वन एंड हाफ इंच फुल शोल्डर का मेजरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए यहाँ पे यहाँ पे आपको नेक जहाँ तक भी पसंद है इन दोनों के बीच का गेप आप डिसाइड करोगे तो वो आपको प्रॉपर रेडी शोल्डर मिल जाएगा Then. अब इसके बाद हमने फ्रंट नेक डीप तो ले लिया अब हम बैक नेक डीप डिसाइड करेंगे क्योंकि वैसे हमारा बैक का नेक पैक है, तो हम बैक साइड का नेक डीप ऐसे ही कर सकते हैं तो वन वन इंच, इंच, जितना जाना है सकते हो मैं यहाँ पे डिसाइड कर रही हूँ तो इस तरह से हमने ब्लाउज के सारे मेजरमेंट ले लिए है अभी हमने जो भी मेजरमेंट लिया है इस सारे मेजरमेंट के ऊपर से हम ड्रॉइंग करना स्टार्ट करेंगे अब देखो कि हम पहले यहाँ पे वो देखेंगे कि हम कोई भी ब्लाउज स्टार्ट करें उससे पहले हम एक छोटा सा ड्राइंग करना जरूरी है क्योंकि ड्राइंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें किस टाइप का ब्लाउज बनाना है उसमें हमें कौन कौन सी प्रोसेस को ध्यान में रखना है तो हमारा जो भी नेक है हमारा नेक है स्ट्रेट वी तो यहाँ पे समझो कि पहले मैंने इस तरह से शोल्डर ड्रॉ किया है अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट नेक स्ट्रेट वी नेक यानी फ्रंट वाला जो नेक का सेप है वो ड्रॉ करूंगी इसके बाद यहाँ पे हमने आर्म होल ड्रॉ किया है ए चेस्ट लाइन वेस्ट लाइन डन अब हमें यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर दिया अब साइड में हमें लास्टिक वाला पार्ट बनाना है तो ऐसे मैंने देखो दोनों साइड इस तरह से लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे हमें लास्टिक वाला पार्ट बनाना है तो इस तरह से मैं छोटी छोटी लाइन इसके हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी तो हमें पता चलेगा कि हमें इस तरह से कुछ लास्टिक वाला पार्ट भी साइड में अटैच करना है पर अगर आपको लास्टिक वाला पार्ट अटैच नहीं करना है आपको मार्जिन रखना है तो वो भी आपको लास्ट तक क्लियर हो जाएगा कि वो आपको कैसे करना होगा तो ये हमारा फ्रंट है और साथ साथ में देखो कि हम यहां पे पाइपिंग भी लगाने वाले हैं। और ये पाइपिंग हमारी ऐसे दोनों साइड आने वाली है और यहाँ पे हमारी लेस भी आएगी तो लेस हमारी कुछ इस तरह से राउंड राउंड वाली है तो मैं इस तरह से पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ तो इससे क्या होगा पता है अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट में ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं ये वाला पॉइंट पसंद नहीं है चेंज करना है तो आप पहले से कर सकते हो तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और अभी मैं यहाँ पे बैक साइड वाला पार्ट बनाऊंगी तो बैक हमें पैक चाहिए तो यहाँ पे बैक साइड का नेक इसके बाद यहाँ पे आरमोल चेस्ट और वेस्ट वाली लाइन और बैक साइड हमारा ओपनिंग और बैक साइड वाले पार्ट में भी हमारा इस तरह से साइड में लास्टिक आएगा यानी वो तो साइड में लास्टिक होगा तो दोनों साइड रहेगा तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक साइड वाला पार्ट है वो कर लिया है आप मुझे वो बताओ कि आपको ये मतलब करने से हमें बहुत सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो पहले से सोल्व हो जाएगी ओके कि हमें पता चलेगा कि यस हम इस टाइप का ब्लाउज बना रहे हैं अगर आपको बैक साइड कोई पैटर्न देनी है वो अच्छी लग रही है तो आप पहले से ड्रॉ कर सकते हो ओके तो ये हमारा पूरा ब्लाउज है तो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि यस हम फ्रंट डीप नेक Backpack, neck, इस टाइप का कोई ब्लाउज बनाने वाले हैं साइड में रहेगा शोल्डर टू वेस्ट रहेगा फ्रंट तो तो अब हम ये ड्रॉइंग कर लिया है इसके बाद हम अस्तर पे ड्रॉइंग करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम एक चीज पहले से डिसाइड करते हैं कि हमारा नेक डीप जब होता है तो हमारा यहाँ पे शोल्डर जैसे क्या करना है, पहले से कर देना। से, कि मेरा नेक है। और मेरा शोल्डर भी रेगुलर है बहुत, बहुत ज्यादा भी नहीं जैसे समझो कि थ्री इंच थ्री पॉइंट ट्वेंटी फाइव तो वो थोड़ी सी क्रीज आएगी यहाँ पे मतलब थोड़ा सा वो साइड में जाएगा अगर वो जितना भी साइड में जा रहा है अगर हम उसको पहले से माइनस कर दे तो वो हमारा एकदम परफेक्ट आएगा तो कितना माइनस करना है तो उसके लिए हमने पहले से एक सोल्डर माइनस चार्ट बना दिया है और ये सोल्डर माइनस चार्ट हमने कहीं से कॉपी नहीं किया है उसको हमने खुद बनाया है और उसको कैसे बनाया है समझो कि आज तक हमने दो पांच हजार से भी ज्यादा ब्लाउज खुद मैंने स्टिच किए हुए है क्लाइंट के ऊपर ट्राई किया हुआ है उससे मुझे कहीं ना कहीं पर समझ में आया कि यस इस तरह से शोल्डर गिरता है मतलब इतना जब नेक डीप होता है ज्यादा नेक डीप तब ज्यादा गिरता है और ज्यादा नेक डीप पर शोल्डर बड़ा तो कम गिरता है पर नेक डीप भी ज्यादा और रेडी शोल्डर भी कम तब वो ज्यादा गिरता है शोल्डर तो ये सारे पॉइंट को हमने ध्यान में रखते हुए एक शोल्डर माइनस चार्ट बना दिया है और वो शायद आपको पता ही होगा तो इस तरह से हम पहले से देखेंगे कि वो शोल्डर माइनस चार्ट कैसा है और उसको हमें कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ता है जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि मेरा नेक डीप ज्यादा है और मेरा रेडी शोल्डर वन इंच है तो तब मेरा शोल्डर ज्यादा बाहर आएगा पर अगर समझो कि मेरा नेक डीप सेम है पर मेरा रेडी शोल्डर बड़ा है तो मेरा कम शोल्डर बाहर गिरेगा तो किसके ऊपर डिपेंड है कि आपका नेक डीप कितना है आपका रेडी शोल्डर कितना है और एक चीज कि आपका नेक का सेप कौन सा है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि अभी देखो कि मैंने आपको जो दो एग्जाम्पल दिए अगर इसमें मेरा एक नेक वी नेक होता और एक नेक मेरा राउंड होता तो दोनों में अलग अलग बाहर आते मतलब शोल्डर दोनों में डिफरेंट ही होगा बाहर आना क्लियर हो रहा है तो सोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए नेक का सेप नेक डीप और रेडी शोल्डर ये तीनों चीज हमें पता होनी चाहिए तो अब हम देखेंगे सोल्डर माइनस चार्ट तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से देखो कि हमारा रेडी सोल्डर जब थ्री इंच थ्री पॉइंट ट्वेंटी फाइव थ्री एंड हाफ इंच या थ्री पॉइंट सेवेंटी फाइव तो तब आप ए वाले सोल्डर माइनस चार्ट को यूज कर सकते हो पर अगर आपका सोल्डर कम है या ज्यादा है तो इसके लिए हमने अलग अलग सोल्डर माइनस चार्ट बना के रखे है ओके? तो अभी मैंने ए वाला सोल्डर माइनस चार्ट ले लिया है अब इसमें हमें अब दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है कि हमारा नेक का सेप कौन सा है तो देखो हमारा फ्रंट का नेक स्क्वायर है नहीं राउंड है नहीं स्वीट आर्ट नहीं ब्रॉड लीफ नेक नहीं? नहीं हमारा नेक है स्ट्रेट वी नेक तो आपका नेक जो भी है आपको वही लाइन को सिलेक्ट करना है तो समझो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रेट वी वाली जो लाइन है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया तो इस तरह से हमने लाइन को सिलेक्ट कर लिया है अब हमें देखना है कि हमारा नेक डिप कितना है तो हमने नेक डिप डिसाइड किया है सेवन एंड हाफ इंच जो कौन सी लाइन में जाएगा सेकेंड लाइन में अगर आपका तीनों में से कोई नेक आ रहा है तो आपको यहाँ पे जो लिखा है नेक डिप उसको ध्यान में रखना है और अगर आपका नेक इसमें है तो जो यहाँ पे ऊपर लिखा है आप वो वाली लाइन को ध्यान में रख सकते हो तो अभी मेरा नेक नीचे वाली लाइन में से है तो मैं बीच में आ रहे अब दोनों लाइन हमारी जहां पे भी मर्ज हो रही है उतना हमें माइनस करना है और इसमें देखो सब अलग अलग है अगर आपका डीप ज्यादा तो आपका ज्यादा माइनस होगा अगर आपका डीप कम तो आपका कम माइनस होगा तो मेरा यहाँ पे माइनस हो रहा है तो मैं यहाँ पहले से नोट कर दूंगी कि यहाँ पे लिख दूंगी कि मेरा फ्रंट में माइनस होगा तो हमने ऐसे ही डिसाइड नहीं किया है हमने यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट में से देखा है कि हमारा वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव माइनस हो रहा है ओके तो जब भी मैं ड्रॉइंग करूंगी तब मुझे बीच में शोल्डर माइनस चार्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब हम यहाँ पे ब्लाउज का ड्रॉइंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ड्रॉइंग करते वक्त हमें पहले बैक वाला पार्ट ड्रॉ करना है फिर हम फ्रंट वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे फिर कटिंग हम पहले फ्रंट वाले पार्ट का करेंगे और उसके बाद हम बैक साइड वाले पार्ट का करेंगे तो अब हम बैक साइड वाले पार्ट का ड्रॉइंग करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमने यहाँ पे अस्तर ले लिया है तो अस्तर देखो कि इस तरह से हमारा कॉटन अस्तर है ओके इसको हमने प्रेस लगा के रेडी कर दिया है यहाँ पे हमारा ऑनफोल्ड अस्तर है और सामने वाली साइड हमारा अस्तर ओपन है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और आपको यहाँ पे और एक पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि आपका अस्तर है उसको प्रेस लगा के ही रेडी रखना है मतलब प्रेस लगाने के बाद ही आपको ड्राइंग करना है अगर आपके अस्तर में कोई भी क्रीज होगी तो जब ब्लाउज बनेगा तब तो वो क्रीज बाहर आएगी ओके okay? तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है और लाइन आपकी एकदम परफेक्ट स्ट्रेट ही होनी चाहिए अगर आपको रीचेक करना है तो आप यहाँ पे एक दो बार रीचेक कर सकते हो देन तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया है अब इसके बाद हम लेंथ का मार्किंग करेंगे तो हमारी जितनी ब्लाउज की फ्रंट की लेंथ है उसी में हमें प्लस वन करना है समझो कि मैं यहाँ पे बना रही हूं बैक साइड वाला पार्ट पर हम लेंथ लेंगे फ्रंट की यानी हमारी जितनी फ्रंट की लेंथ रेडी है उसी में हमें प्लस वन इंच करके मार्क करना है तो यहाँ पे हमारी लेंथ है फिफ्टीन इंच तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे सिक्सटीन इंच पे तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है सिक्सटीन इंच पे तो इस तरह से मैं दोनों साइड मार्क कर दूंगी इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट होगी वरना वो लाइन क्रॉस हो जाएगी तो यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप रखा यहां पे भी मैंने इंच पे मार्क किया और जो भी हमारे दोनों मार्किंग है दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रो करेंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रो कर दिया अब इसके बाद हमें शोल्डर का मार्किंग करना है तो हमारा जितना भी फुल शोल्डर रेडी है उसका हम हाफ करके मार्क करेंगे तो फुल शोल्डर हमारा रेडी है 49 1/2 इंच उसका मैं हाफ करूंगी तो मुझे यहां पे मिलेगा 7.25 तो यहां पे मुझे मार्क करना है 7.25 पे तो आपका भी जितना फुल शोल्डर रेडी है आपको उसका हाफ करना है और आपको यहां पे मार्क कर देना है थोड़ा काम तो थोड़ा काम रहिए थोड़ा काम तो इस तरह से देखो कि मैंने शोल्डर का हाफ करके मार्क कर दिया है इसके बाद जहां पे भी आपका शोल्डर का मार्किंग है वहां से आपको डाउन जाना है वन इंच और वन इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है डाउन हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे जो शोल्डर वाली लाइन है वो थोड़ी सी क्रॉस होती है अब इसके बाद हम मार्क करेंगे टू एंड हाफ इंच पे तो टू एंड हाफ इंच वाला मार्किंग सबके लिए फिक्स होता है And half inch, one inch down, दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे डिपेंड होगा यानी हमारी चेस्ट कितनी है उसके हिसाब से हमें आरमोल का फॉर्मूला यूज करना है तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी चेस्ट कौन सी लाइन में सेट हो रही है तो यहाँ पे देखो कि जब भी आपकी चेस्ट 28 से लेके 31.75 के बीच में है तो आपको चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 करना है जब भी आपकी चेस्ट 32 से 44.75 के बीच में है तो आपको चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच करना है और जब भी आपकी चेस्ट 45 इंच से कितनी भी प्लस तो आपको चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करना है तो अभी मेरी चेस्ट है थर्टी इंच जो कौन सी लाइन में जाएगी सेकेंड लाइन में तो यहाँ पे क्या लिखा है चेस डिवाइड सिक्स प्लस वन तो मैं यहाँ पे सिर्फ जो चेस्ट लिखा है उसकी जगह पे मुझे मेरी जो चेस्ट है वो यहाँ पे रखनी है और बाकी यहाँ पे जो लिखा है वो सेम फॉलो करना है तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है थर्टी थ्री इंच उसको मुझे डिवाइड सिक्स करना है तो मुझे मिलेगा फाइव एंड हाफ इंच इसमें मुझे प्लस वन करना है तो मुझे मिलेगा सिक्स एंड हाफ इंच तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी सिक्स एंड हाफ इंच पे पर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपकी चेस्ट समझो कि फोर्टी फोर्टी पर मुझे कहाँ पे करना है अभी हम वो देखेंगे तो जहां पे भी हम वन इंच डाउन वाला हमने जो मार्क किया है वहां से हम मेजर टेप रखेंगे और जहां पे भी हमारा सिक्स एंड हाफ इंच आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे अब यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन है उसको ड्रॉ कर दिया है अब हम यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे तो चेस्ट में हमें लूजिंग एड करना है क्योंकि हमने जो भी मेजरमेंट लिया था वो इतना टाइट भी नहीं लिया था और इतना लूज भी नहीं लिया था तो अभी हम जो ऐड कर रहे हैं वो लूजिंग है लूजिंग होगा तो हाथ हमारा ऊपर नीचे होगा और हम कंफर्टेबल भी रहेंगे तो यहाँ पे आपको लूजिंग ऐड करना है टू एंड हाफ इंच क्योंकि हमारा जो ब्लाउज है मतलब पैक है नेक दोनों हमारे ब्लाउज के पैक है और जो वेस्ट है तो उसमें हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है उसको हम डायरेक्ट डिवाइड फोर करेंगे तो अब हम देखेंगे कि लूजिंग हमें किस में एड करना है तो यहाँ पे देखो कि मेरा चेस्ट है थर्टी थ्री इंच हुँ? इसमें मुझे लूजिंग ऐड करना है टू एंड हाफ इंच तो मुझे मिलेगा थर्टी फाइव एंड हाफ इंच इसको मुझे डिवाइड फोर करना है तो हमें मिलेगा एट पॉइंट एटी सेवन तो हमारा यहाँ पे मार्क होगा एट पॉइंट सेवेंटी फाइव के ऊपर एक लाइन तो अब हम मार्क करेंगे एट पॉइंट सेवेंटी फाइव के ऊपर एक लाइन यानी नाइन इंच में एक लाइन कम और उसके बाद हमें एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन तो मार्जिन आप यहाँ पे वन इंच भी रख सकते हो भी रख सकते हो इंच भी रख सकते हो मैं यहाँ पे मार्जिन रख रही हूँ तो इस तरह से देखो कि हमने वन एंड हाफ इंच मार्जिन रखा अब इसके बाद हमें वेस्ट का मार्किंग करना है तो वेस्ट में हमें कुछ भी लूजिंग एड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने मेजरमेंट टाइट लिया है अगर हम लूजिंग एड करेंगे तो जब हम हाथ ऊपर करेंगे तो ब्लाउज हमारा ऊपर की साइड आ जाएगा तो वेस्ट को हम डायरेक्ट डिवाइड फोर करेंगे तो यहाँ पे हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है ट्वेंटी फोर एंड हाफ इंच तो ट्वेंटी फोर एंड हाफ डिवाइड हम फोर करेंगे तो हमें मिलेगा सिक्स पॉइंट ट्वेल्व यानी यहाँ पे हमारा मार्किंग होगा सिक्स इंच के ऊपर एक लाइन तो जो भी हमारी वेस्ट वाली लाइन है तो वहां पे मैं मार्क करूंगी सिक्स इंच के ऊपर एक लाइन और उसके बाद हमें एक्स्ट्रा रखना है वन एंड हाफ इंच जो हमारा मार्जिन है अब हमारी दोनों जो चेस्ट और वेस्ट इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक लाइन ड्रो करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा मार्जिन वाला दोनों मार्किंग है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम दूसरी लाइन ड्रो करेंगे अब इसके बाद हमें आर्म होल ड्रॉ करना है तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए जो भी हम वन इंच डाउन गए हैं और जो भी हमारी चेस्ट वाली लाइन है इन दोनों का हमें मिडल लेना है मिडल पे हम एक मार्क करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपका जितना भी सोल्डर उससे यहाँ पे आपको वन इंच अंदर जाना है पहले हम फ्रंट वाला आर्मोल बनाएंगे फिर हम बैक वाला आर्मोल बनाएंगे तो यहाँ पे मेरा आ रहा है सेवन पॉइंट ट्वेंटी फाइव इसमें मैं वन इंच अंदर जाऊंगी तो मुझे मिलेगा सिक्स पॉइंट ट्वेंटी फाइव और यहाँ पे आपको जो भी शोल्डर इससे यहाँ पे आपको हाफ इंच कम करना है तो यहाँ पे मुझे मिलेगा सिक्स पॉइंट सेवेंटी फाइव सिंपल है आपको यहाँ पे क्या याद रखना है जितना शोल्डर उससे वन इंच कम जितना शोल्डर उससे हाफ इंच कम अब हमें यहाँ पे क्रॉस में मार्क करना है पॉइंट सेवेंटी फाइव तो ए वाला जो मार्किंग है वो हमारी साइज के हिसाब से होगा यानी अगर आपकी चेस्ट चालीस इंच से कम तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे पॉइंट सेवेंटी फाइव और अगर आपकी चेस्ट चालीस इंच से ज्यादा तो हम मार्क करेंगे वन इंच अब ये सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से पहले मैं लाइन ड्रॉ करूंगी थोड़ी सी क्रॉस फिर सारे यहाँ पे डोट डोट वाली लाइन बना के हमें पहले फ्रंट वाला आर्म होल ड्रॉ करना है अब इसके बाद हम बैक साइड वाला बनाएंगे तो बैक वाला आर्म होल बनाने के लिए जो भी हमारी लाइन है उससे हम हाफ इंच बाहर जाएंगे अब ये मार्किंग है उसी को यहाँ पे मिलाने और यहाँ पे हम सेफ देंगे और देखो कि ऐसे आप स्केल से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो और बाकी आप फ्रेंच कव भी यूज कर सकते हो ओके तो यहाँ पे समझो कि अभी मैं यहाँ पे फ्रेंच कव यूज कर रही हूँ ऐसे में यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगी और ये जो भी मार्किंग है उसके साथ मुझे यहाँ पे मिला देना है पहले हम सेप चेक करेंगे कि वो कहां पे सेट हो रहा है तो इस तरह से देखो कि हमने बैक साइड वाला जो आर्म होल है उसको ड्रॉ कर दिया है फ्रंट वाला आर्म होल आपको इसमें हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैक साइड वाला पार्ट है ओके okay. अब देखो कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो गए जैसे कि मैं यहाँ पे जो तो भी मार्क कर रही तो हूँ ए, ए लेना है इसको इतना मार्किंग करना है इसको इतना लूजिंग देना है लूजिंग आपके साइज के हिसाब से सेम ही होगा अगर साइज के हिसाब से कुछ भी चेंज होगा तो मैं यहाँ पे आपको साथ साथ में क्लियर कर दूंगी पर वैसे आज हमारे पास दो से ढाई घंटे ही है मेरे से जितना भी डिटेल होगा उतना हम क्लियर करने ही वाले हैं पर अगर आपको और डिटेलिंग चाहिए तो आप हमारा नेक्स्ट आने वाला ब्लाउज मास्टर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है ऑनलाइन हमारा कल से ही स्टार्ट होने वाला है ओके और अगर आपको इसकी कोई भी डिटेल चाहिए तो आपको डिस्क ओके तो उसकी आपको सारी प्रोसेस भी मतलब उसकी जो भी डिटेलिंग है वो भी आपको मिल जाएगी ओके तो अभी हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे नहीं देखे ने देखे ने देखे ने तो आगे। ओके अभी देखो कि इस तरह से हमारा इतना बैक साइड वाला पार्ट रेडी है अब हमें यहाँ पे एक मेन पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना होता है हमें ऐसा लगता है कि हमारा नेक डिप वन इंच है तो हमें इसमें कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है पर ऐसा नहीं है जब भी आपका डिप भी भले कम मतलब कम ही है पर फिर भी देखो हमें एक प्रॉब्लम रेगुलर आती है जैसे कि हमारी कौन सी प्रॉब्लम आती है फ्रंट में आपको पता होगा कि जब हम बोटनेक वाली कुर्ती बनाते हैं तो यहाँ से नेक नेक लूज होता तो तो नेक लूज होता होता है 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 तो तो वैसा सेम प्रॉब्लम बैक साइड भी आता मतलब से भले हमारा शोल्डर ज्यादा है तो शोल्डर के ऊपर डिपेंड है जैसे कि आपका शोल्डर कम तो आपका यहाँ पे ज्यादा लूज होगा अगर आपका शोल्डर ज्यादा तो कम लूज होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने शोल्डर में कितना माइनस करेंगे तो अब हम वो देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो और ए वाला चार्ट आप फ्रंट में भी यूज कर सकते हो और बैक में भी यूज कर सकते हो तो आपका रेडी शोल्डर कितना रेडी शोल्डर है थ्री पॉइंट ट्वेंटी फाइव तो मैं लास्ट वाली लाइन सिलेक्ट करूंगी अगर आपका रेडी शोल्डर टू इंच है तो आपको पहली लाइन सिलेक्ट करनी है और अगर आपका रेडी शोल्डर टू एंड हाफ इंच है 2.25 या तो तो, आपको वाली करूंगी, जिसमें क्या लिखा है? तो इस तरह से लाइन बनाई है बैक साइड वाले आर्मोल की तो वहां से हम माइनस करेंगे जीरो पॉइंट ट्वेंटी तो ऐसे देखो कि मैंने पॉइंट ट्वेंटी फाइव यहाँ पे ऐसे मार्क किया है यही मार्किंग को मैं जो सेंटर है ना हमारा आर्म होल का उसके साथ में मिला दूंगी और ये पॉइंट नहीं बनना चाहिए अगर समझो कि आपके वाली लाइन को थोड़ा सा नीचे लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हो तो मैं जो भी बैक साइड वाला आर्म होल है उसी के साथ मैं सेब को मिला दूंगी तो जो भी मेरी ये पिंक वाली लाइन है वो मेरी एकदम फाइनल लाइन है अब इसके बाद मैं मार्क करूंगी नेक डीप का तो इसको मैं क्या बोलूंगी माइनस किया हुआ सोल्डर क्योंकि इतना हमने पॉइंट ट्वेंटी माइनस कर दिया है तो माइनस किया हुआ सोल्डर टू एंड हाफ इंच दोनों का हमें सेंटर लेना है तो इस तरह से मैं मेजर टेप रखूंगी उसका मैं सेंटर लूंगी और सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे और जहां पे भी हमने मार्क किया है वहां से ही हमें नेक डीप का मार्किंग करना है तो यहाँ पे आप नेक डीप जैसे मैंने बोला कि आप वन इंच वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव वन एंड हाफ इंच आपको जितना रखना है उतना आप रख सकते हो अभी मैं यहाँ पे नेक डीप रखूंगी वन इंच तो जहाँ पे भी मेरा वन इंच आ रहा है वहां पे मैं मेजर टेप रखूंगी और मेजर टेप को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे स्केल भी रखूंगी और मैं साथ साथ में एक लाइन ड्रो कर दूंगी तो ये हमारी नेक डीप वाली लाइन हुई ओके अब इसके बाद हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्क करना है तो पहले आपको नेक डीप का मार्किंग करना है और उसके बाद आपको रेडी शोल्डर का मार्किंग करना है। अब हमें पे मेरा सोल्डर है थ्री पॉइंट ट्वेंटी फाइव तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी फोर पॉइंट ट्वेंटी फाइव है तो मैं यहाँ से ही मेजर टेप रखूंगी और आपका जितना भी रेडी शोल्डर है उसमें आपको वन इंच प्लस करके मार्क करना है तो यहाँ पे मेरा है है तो तो मैं मार्क पे तो देखो यहां पे देखो मेरा आ रहा है 2 इंच के ऊपर एक लाइन तो यहाँ पे भी मैं हाफ से देना है हाफ इंच से क्यों देना है क्योंकि वैसे भी हमारा शोल्डर ज्वाइंट तो हाफ इंच नीचे से ही होता है तो समझो कि मैंने हाफ इंच नीचे से इस तरह से एक डॉट डॉट वाली लाइन बना दे बना देती हूँ इससे आपको पता चलेगा कि जो डोट वाली लाइन है वो आपकी स्टीज में जाने वाली है ओके तो वहां से आपको चेक करना है और वहां से हमें नेक का शेप भी देना है तो इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे बैक साइड का जो नेक है उसका शेप हमने यहाँ पे ड्रो कर दिया है तो इस तरह से हमारा जो बैक साइड वाला पार्ट है वो रेडी है अब इसके बाद इसकी बाकी की सारी प्रोसेस बाद में होगी पहले हमें फ्रंट वाला पार्ट बनाना होगा तो पहले हमारा जो भी अस्तर है उसको हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे क्योंकि अभी हमें पहले फ्रंट वाला पार्ट बनाना है अभी हमारा बैक साइड वाला पार्ट रेडी है और जितना भी बाकी है वो हमारा बाद में रेडी होगा तो फ्रंट वाला पार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो यहां पे देखो कि इस तरह से हमने वापिस से नहीं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है अब फ्रंट वाले पार्ट में आपको पहले लेंथ वाला मार्किंग नहीं करना है क्यों वो अभी आपको पता चल जाएगा तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे यहाँ पे शोल्डर का तो हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसका हमें हाफ करके मार्क करना है आपका भी जितना फुल शोल्डर है आपको उसका हाफ करके मार्क करना है तो मेरा फुल शोल्डर फोर्टी एंड हाफ इंच उसका मैं हाफ करूंगी तो मुझे मिलेगा सेवन पॉइंट ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पे मार्क करेंगे तो यहाँ पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया है सेवन पॉइंट ट्वेंटी फाइव जहां पे भी हमारा शोल्डर का मार्किंग वहां से हम डाउन जाएंगे वन इंच तो वन इंच डाउन हमने इस तरह से एक मार्क किया और इसके बाद हम मार्क करेंगे टू एंड हाफ इंच तो टू एंड हाफ इंच पे भी हम इस तरह से एक मार्क करेंगे अब इंच वन इंच डाउन ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्रॉस लाइन तो जैसा हमने बैक साइड वाले पार्ट में प्रोसेस किया था वो सेम हमारा फ्रंट वाले पार्ट में भी होगा अब इसके बाद हमें आर्मोल वाला मार्किंग तो जितना आपने बैक में लिया है आर्मोल उतना ही सेम आपको यहाँ पे फ्रंट में लेना है तो यहाँ से भी आप ऐसे चेक कर सकते हो कि मैंने बैक आपका रहेगा अगर आपकी चोइस अलग अलग है तो आप वही फॉर्मूला यूज कर सकते हो आपके साइज के हिसाब से तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी सिक्स एंड हाफ इंच अब यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रो करेंगे जो हमारी चेस्ट लाइन होगी अब इसके बाद यहाँ पे हमें चेस्ट का मार्किंग करना है तो चेस्ट में हम यहाँ पे लूजिंग एड करेंगे टू इंच, ओके क्योंकि हमारा नेक डीप है तो यहाँ पे हम लूजिंग थोड़ा सा कम एड करेंगे यहाँ पे आपका नेक अगर ज्यादा डीप है तो आप यहाँ पे वन एंड हाफ इंच भी लूजिंग एड कर सकते हो यानी फ्रंट में हम वन एंड हाफ इंच से टू इंच जितना लूजिंग एड करेंगे तो देखो कि हमारी जितनी चेस्ट है उसमें हमें पहले से लूजिंग एड करना है तो चेस्ट मेरी है थर्टी थ्री इंच इसमें मैं लूजिंग करूंगी टू इंच तो मुझे मिलेगा थर्टी फाइव इंच इसको हम डिवाइड फोर करेंगे तो हमें मिलेगा एट पॉइंट सेवेंटी फाइव और इसका मार्किंग हम चेस्ट वाली लाइन पे करेंगे तो यहाँ पे मुझे मार्क करना है एट पॉइंट सेवेंटी फाइव पे और उसके बाद हमें एक्स्ट्रा लेना है वन एंड हाफ इंच जो हमारा मार्जिन होगा तो इतना मार्किंग हमने कर दिया है अब हम पहले यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे तो देखो कि जब भी हमने स्टार्ट किया था ब्लाउज बनाना उससे पहले हमने एक छोटा सा ड्राइंग किया था और उसमें हमने पहले से लिख दिया था कि हमारा कि माइनस कितना हो रहा था तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से हमने यहाँ पे देखो कि जो भी ड्राइंग किया था तो उसमें हमने यहाँ पे लिखा था कि फ्रंट वाले पार्ट में हमारा माइनस हो रहा है 1.25 तो 1.25 हमारा कहाँ से माइनस हो रहा है किसमें से करना है और कैसे करना है वो सब कुछ अभी हमने देख लिया था आगे ओके इसे हमने शोल्डर माइनस चार्ट यूज किया था और यहाँ पे हमारा माइनस हो रहा था तो अब माइनस करेंगे तो तो वो वो किस में से करना है तो वो हम करेंगे फुल शोल्डर में से तो फुल शोल्डर हमारा है फोर्टीन एंड हाफ इंच इसमें से मुझे माइनस करना है आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसमें से आपका जितना भी माइनस हो रहा है वो आपको उसमें से ही करना है यानी फुल शोल्डर में से तो मैं माइनस करूंगी 1.25 तो मुझे मिलेगा ओके okay? 14 इंच में से हम 1.25 माइनस करेंगे तो मैं मिलेगा 13.25 उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा सिक्स एंड हाफ इंच के ऊपर एक लाइन तो यहाँ पे हमें मार्क करना है सिक्स एंड हाफ इंच के ऊपर एक लाइन अब ए वाले मार्किंग को हम क्या बोलेंगे माइनस किया हुआ शोल्डर तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है सिक्स एंड हाफ इंच के ऊपर एक लाइन और ए वाले मार्किंग को हम बोलेंगे माइनस किया हुआ शोल्डर और जब हम इस तरह से माइनस करते हैं तो सेम आपको चेस्ट वाली लाइन पे भी उतना ही मार्क करना है जैसे कि यहाँ पे मैं मार्क करूंगी सिक्स एंड हाफ इंच के ऊपर एक लाइन तो इस तरह से हमें दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ओके इसमें आपको वन इंच अंदर यहाँ से हाफ इंच बार ऐसा नहीं जाना है जितना आपने यहाँ पे मार्क किया उतना ही सेम यहाँ पे मार्क करो ऐसा क्यों है क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे माइनस कर दिया अब मैं इससे वन इंच अंदर जाऊंगी तो फिर वहां पे शोल्डर टाइट होगा यहाँ से खींचा होगा अब हमारी जो भी लाइन रेडी है उसका हमें सेंटर लेना है सेंटर पे एक मार्क करेंगे और जहां पे भी सेंटर वहां से हम पॉइंट ट्वेंटी फाइव अंदर जाएंगे अब इसके बाद हम क्रॉस वाला मार्किंग करेंगे पॉइंट सेवेंटी फाइव वो जैसे अभी मैंने क्लियर किया कि अगर आपकी चेस चालीस से कम तो पॉइंट सेवेंटी फाइव और उससे ज्यादा तो वन इंच अब सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए पहले हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है तो इस तरह से मैंने डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ की है ये सबसे पूरी डिटेल इंजेक्शन से कर लेंगे तो इस तरह से देखो कि मैं यहाँ पे फ्रेंच को यूज करते हुए आर्मोल का दे रही जो हमें इजी होगा तो इस तरह से मैंने फ्रंट वाला जो आर्मोल का सेप है वो ड्रो कर दिया है अब इसके बाद हमारी बाकी की सारी प्रोसेस हम यहाँ से ही करेंगे जैसे कि माइनस किया हुआ सोल्डर इसको हम क्या बोलेंगे माइनस किया हुआ शोल्डर टू एंड हाफ इंच दोनों का मिडल इस तरह से हमने मिडल लिया मिडल पे एक मार्क किया और जहां पे हमने मिडल पे मार्क किया वहां से हम मेजर टेप को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से हमें जितने भी मार्क लिए ना वो सारे मार्किंग कर देने हैं जैसे कि नेक डीप सोल्डर टू एपेक्स और लेंथ तो पहला हम मार्किंग करेंगे सोल्डर टू एपेक्स तो सोल्डर टू एपेक्स का हमारा मेजरमेंट है नाइन पॉइंट सेवेंटी फाइव तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 10.25 यानी आपका जितना भी सोल्डर टू अपेक्स उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके मार्क करना है क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड सोल्डर ज्वाइंट में चला जाता है तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 10.25 पॉइंट जहां पे भी आ रहा है वहां पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे अब इसके बाद हमें मार्क करना है लेंथ का तो मेरी ब्लाउज की लेंथ है फिफ्टीन इंच तो मैं मार्क करूंगी यहाँ पे सिक्सटीन इंच पे तो इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया अब अब बारी है नेक डीप की तो नेक डीप में देखो कि वैसे हमारा जो भी नेक नेकडीप है हम उतना ही मार्क करते हैं जैसे कि मेरा नेक डिप 7 इंच तो हम यहाँ पे ही मार्क करते हैं फिर हाफ इंच हमारा स्टिच में जाता है ओके तो मेरा नेक डीप सेवन एंड हाफ इंच तो यहाँ पे हमारा एट इंच तक नेक डीप आएगा अब ए वाले पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है हमें यहाँ पे क्या करना है कि जब भी हमारा स्ट्रेट वी नेक होता है

तो रेडी शोल्डर का मार्किंग में हाफ इंच नीचे से ही करूंगी और मेरा रेडी शोल्डर है तो मैं मार्क करूंगी पे तो ऐसे मैंने मार्क कर दिया फोर ट्वेंटी अब देखो कि ए वाले मार्किंग और जो भी हमने जितना हमारा नेक डिप था उससे हम पॉइंट सेवेंटी फाइव जितना ऊपर गए थे तो दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको लाइन ड्रो कर देनी है अब देखो जैसे मैंने बोला ना कि पॉइंट सेवेंटी फाइव हम ऊपर क्यों गए अब देखो कि मेरा हाफ इंच स्टिच में जाएगा तो ऐसे में जाने दूंगी मतलब पे पे मैं लाइन कर रही तो यहां पे देखो कि हमें जो नेक डीप चाहिए वहां पे आपको प्रॉपर मिलेगा क्योंकि ए वाला गेप ज्यादा होता है वी नेक में तो देखो यहाँ पे हमारा 1.25 जितना नीचे जाएगा तो हमें जहाँ पे नेक डीप चाहिए वहां पे हमें प्रॉपर मिलेगा ऐसे मैंने मेजर टेप रखा देखो सेवन एंड हाफ इंच मेरा नेक डीप पर इससे तो वरना जब हमारा पूरा आउटफिट बन जाता है फिर हमें पता चलता है ये तो मिस्टेक हो गई अब इतना रेडी होने के बाद हम पहले नीचे वाला जो भी मार्क किया था वो मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ओके okay, अब देखो कि यहाँ पे हमारा इस तरह से हमने नेक बना दिया है, आर्मोल बना दिया है, अब हमें तो जैसे कि बॉडी के हिसाब से हमारा फिटिंग नहीं आता है साइड में क्रीज आती है या फिर हाथ ऊपर करते हो तो ब्लाउज साइड से ऊपर आ जाता है या फिर साइड में ज्यादा क्रीज आती है ब्लाउज पीछे से फोल्ड हो जाता है तो सारी प्रॉब्लम आपकी यहाँ से ही सोल्व होगी इससे पहले हम थोड़ा सा और डिटेलिंग देखेंगे ब्लाउज का उसके बाद हम वापस यहाँ से फ्रंट वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे और जो भी मैं यहाँ पे सीखा रही हूँ उसको आप थोड़ा सा नोट डाउन भी कर सकते हो और आप मुझे इतना बताओ कि अभी तक आपने जो भी सीखा बैक पार्ट और फ्रंट वाला पार्ट वो आपको कैसा लगा कमेंट और आप हमें कमेंट करके बता सकते हो मतलब जो भी बीच बीच में सिखा रही हो आपको ऐसा लगा कि ये वाला पॉइंट तो ध्यान में रखना है अगर आपको हमें कुछ नोट भी करना है मतलब आपको कुछ मैसेज करना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून जैसे कि ये लाइव क्लास स्टार्ट हुआ है तभी से मैं कमेंट्स पे ध्यान दे रहा हूँ सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट्स है कि आप ये तो हमें लाइव सिखा रहे हो इसके अलावा अगर हमें पूरा ही ब्लाउज मास्टर क्लास करना है या फिर हमें ऑफलाइन आपसे मिलना है तो क्या करना पड़ेगा तो मैं आपको उसकी थोड़ी ब्रीफ डिटेल दे देता हूँ कि कल से ही यानी कि फर्स्ट अप्रैल से ही हमारा ऑनलाइन ब्लाउज मास्टरी प्रोग्राम बिगिनर स्टेज स्टार्ट होने वाला है जिसमें आपको सीखने को मिलेंगे थ्री बेसिक ब्लॉक्स उसके बाद में स्ट्रेट डार्ट ब्लाउज फोर डार्ट ब्लाउज कटोरी ब्लाउज एंड वगैरह वगैरह बहुत सारे अलग अलग पैटर्न वाले ब्लाउज हैं तो अगर आप वो ज्वाइन करते हो जिसकी फीस आई थिंक टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ही है और उस क्लास में आपको सब कुछ इन डिटेल में सीखने को मिलेगा अभी यहाँ पे लाइव में आपको एक ब्लाउज की पैटर्न सिखाई जा रही है जो कि है फ्लेक्सी फिट ब्लाउज की पैटर्न जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से ब्लाउज की पैटर्न में आप आ, मार्जिन कम किए बिना या फिर बढ़ाए बिना ही आप कोई भी साइज़ में पहन सकते हो ठीक है लेकिन ब्लाउज मास्टर क्लास अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ से आप फिर अपने हिसाब से भी कोई भी पैटर्न बना सकते हो आप कोई भी पैटर्न अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हो क्योंकि बेसिक से लेके वहाँ पे सारा ही नॉलेज मिलने वाला है ठीक है तो वो स्टार्ट हो रहा है कल से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको ऑफलाइन में इंटरेस्ट है तो आप पंद्रह अप्रैल से हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए भी हमारे सिक्स थ्री फाइव ट्रिपल वन टू सिक्स एट जीरो वाले नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हो इसके अलावा इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे अगर आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मिलेगा अगर आपको ऑनलाइन ब्लाउज मास्टर क्लास करना है तो उसका भी लिंक वहाँ पर दिया गया है एंड ऑफलाइन का भी लिंक वहाँ पर दिया गया है और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें सिक्स थ्री फाइव वन वाले नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हो हाँ नंबर हमने कमेंट में पिन भी कर दिया है और हम पूरी हमारी ट्राई कर रहे हैं कि आप जो भी हमें कमेंट में डाउट पूछ रहे हो उसको हम लाइव में ही सोल्व कर दे ठीक है तो वो हम आपको आंसर करते ही जा रहे हैं हाँ हमारी पूरी टीम इसके लिए बैठी हुई है कि जो आपको आंसर करे आपके डाउट्स को सोल्व करे थैंक यू एवरी अभी हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे ओके okay, अभी देखो कि हमने यहाँ पे जो भी फ्रंट वाला पार्ट ड्रॉ किया था नेक डीप उसको हमने डिटेल में सीखा अभी हम नीचे वेस्ट वाला डार्ट सीखने वाले हैं वेस्ट वाला डार्ट हमारा साइज के हिसाब से होता है क्यों हमारा वेस्ट वाला डार्ट साइज के हिसाब से होता है उसको मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा ओके okay? तो आप यहां पे देख सकते हो कि अभी समझो कि मेरी चेस्ट है 33 इंच तो ये बोड़ी हुई अगर किसी की चेस्ट ज्यादा है तो उसकी चेस्ट इस तरह से ज्यादा होगी अगर किसी की चेस्ट इससे भी ज्यादा है तो उसकी चेस्ट इस तरह से होगी ये आप सबको पता है कि की साइज सबकी अलग अलग है तो समझो कि मेरा यहाँ पे वाला गेप कम होगा अगर जिसकी चेस्ट ज्यादा तो उसका ये वाला गेप देखो यहाँ से आपको ड्रॉइंग में ही समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा है अगर किसी की चेस्ट इससे भी ज्यादा तो ये वाला गेप ज्यादा होगा तो ये सबको कवर करने के लिए अगर आपको क्रीज नहीं चाहिए तो आपका साइज के हिसाब से डाट होता है तो साइज के हिसाब से हमें जो वेस्ट वाला जब भी आपकी चेस्ट थर्टी सिक्स से फोर्टी फाइव पॉइंट सेवेंटी फाइव के बीच में डाट होगा थ्री इंच और जब भी आपकी चेस्ट फोर्टी सिक्स इंच से कितनी भी प्लस तो, तो आपको यहाँ पे डाट लेना होगा थ्री एंड हाफ इंच हम साइज के हिसाब से जितना ज्यादा डार्ट लेंगे उतना हमारा फिटिंग परफेक्ट आएगा तो एक तो ये हो गया वेस्ट वाला डार्ट और हम यहाँ पे दूसरा डार्ट लेंगे आर्म होल क्योंकि आर्म होल वाला जो डार्ट है उसमें भी क्रीज आती है तो यहाँ पे आपकी साइज सेम यही रहेगी सिर्फ जितना आपने वेस्ट वाला डार्ट लिया उसका हम आधा आर्म होल में डार्ट लेंगे जैसे कि इसका आधा कितना होगा वन तो आर्म होल डार्ट मेरा होगा वन और थ्री इंच का आधा होगा वन एंड हाफ इंच तो आर्मोल डाट हमारा होगा वन एंड हाफ इंच और यहाँ पे हमारा डाट है थ्री एंड हाफ इंच तो उसका आधा हमारा होगा वन पॉइंट सेवेंटी फाइव ओके तो इसके हिसाब से आपका आर्मोल डाट होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा आर्मोल डाट का फॉर्मूला है सेम ओके okay, दोनों में हमारी जो चेस्ट मतलब चेस्ट का मेजरमेंट सेम ही होगा यहाँ पे आपका वेस्ट वाला डाट टू एंड हाफ इंच तो यहाँ पे वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव यहाँ पे थ्री तो इंच तो वन एंड हाफ इंच और यहाँ पे थ्री एंड हाफ इंच तो वन पॉइंट सेवेंटी फाइव तो आपको दोनों चार्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है एक चार्ट याद रखो उसका हाफ आपका आर्मोल डार्ट हो जाएगा तो अभी हम वो देखेंगे कि मेरी चेस्ट कौन सी में आ रही है फर्स्ट वाली लाइन पे तो यहाँ पे कितना आ रहा है टू एंड हाफ इंच तो मैं यहाँ पे याद रखूंगी की मेरा जो डार्ट है वेस्ट का डार्ट मेरा होगा टू एंड हाफ इंच और आर्मोल वाला डार्ट होगा वन पर आपको आपके साइज के हिसाब से देखना है कि आपको कौन सा डार्ट आने वाला है तो अभी मैंने याद रख लिया कि भी टू एंड हाफ इंच वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव तो डार्ट को हमें कैसे मार्क करना है अभी हम वो देखेंगे तो इससे पहले हमें यहाँ पे एपेक्स का मार्किंग करना होगा तो जितना भी हमारा एपेक्स पॉइंट है उसका हम पहले हाफ मार्क करेंगे तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा है सेवन इंच आपका जितना भी आपको उसका हाफ करना है सेवन इंच का मैं हाफ करूंगी तो मुझे मिलेगा थ्री एंड हाफ इंच तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी थ्री एंड हाफ इंच पे तो इस तरह से आपका यहाँ पे मार्क हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे हम नीचे यहाँ पे आपका जितना भी गेप उसका आपको हाफ इंच माइनस करके मार्क करना है जैसे कि यहाँ पे मेरा गेप है थ्री एंड हाफ इंच उसमें मैं हाफ इंच कम करूंगी तो मुझे मिलेगा थ्री इंच तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया थ्री इंच क्योंकि हमारा जो भी ऐसे बस्ट का सेप है तो नीचे जाते, जाते जाते इसका गेप इससे कम ही होता है इसलिए आपको अगर समझो कि आपका एपेक्स टू तो एपेक्स एट इंच है तो आप यहाँ पे मार्क करोगे फोर इंच तो उसमें से आपको हाफ इंच कम करके मार्क कर देना है थ्री एंड हाफ इंच पे ओके okay? अब इसके बाद हमें यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करना है यानी वेस्ट डाट का मार्क करेंगे जो भी मेरा कितना आ रहा था टू एंड हाफ इंच तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी टू एंड हाफ इंच अब जो भी मैंने मार्क किया है टू एंड हाफ इंच दोनों मार्किंग को मुझे एपेक्स पॉइंट पे मिलाना है तो अब हम यहाँ पे दोनों मार्किंग को एपेक्स पॉइंट पे मिलाएंगे और हम यहाँ पे डाट की लाइन ड्रो करेंगे अब इतनी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें वेस्ट वाला मार्किंग करना है तो वेस्ट वाले मार्किंग के लिए हमारा जितना भी वेस्ट रेडी है उसको हम डिवाइड फोर करेंगे इसमें में कोई भी लूजिंग करने की जरूरत नहीं है तो मेरी वेस्ट का मेजरमेंट है इंच उसको मैं डिवाइड फोर करूंगी तो मुझे मिलेगा सिक्स पॉइंट पर यानी यहाँ पे हमारा मार्किंग होगा सिक्स इंच के ऊपर एक लाइन तो वेस्ट वाला मार्क करने के लिए हमारा जो भी पहला डाट की जो पहली लाइन है उसको मुझे दूसरी लाइन के साथ मिलाना है इस तरह से हम इसको माइनस करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे सिक्स इंच के ऊपर एक लाइन तो इस तरह से हम यहाँ पे मेजर टेप रखेंगे यहाँ पे देखो कि हमारा सिक्स इंच के ऊपर एक लाइन आना चाहिए और जहाँ पे भी हमारी मेजर टेप एंड हो रही है वहां पे हमें मार्क कर देना है तो इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया अब इसके बाद हमें मार्जिन का मार्क करना है जो हमारा है वन एंड हाफ इंच तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे वन एंड हाफ इंच Yup. अब अस्तर को इस तरह से ओपन कर देना है इन दोनों चेस्ट और वेस्ट मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है और मार्जिन और मार्जिन को ध्यान में रखते हुए लाइन ड्रॉ करनी है तो इस तरह से हमारा इतना रेडी है अब हमें यहाँ पे ऐसे डांट लेते हैं ना फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लाउज लूज होता है क्योंकि हमारी जो चेस्ट है ऐसे डायरेक्ट क्रॉस नहीं होती है हमारी चेस्ट ऐसे सेप में होती है अगर हमारा चेस्ट ही सेप में है तो यहाँ पे भी हमारा सेप होना जरूरी है तो वाला सेप हम कैसे देंगे जो भी हमारी साइड की क्रॉस लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है सेंटर पे मार्क करेंगे सेंटर और एपेक्स इन दोनों का भी हमें सेंटर लेना है और यहाँ पे भी हम एक मार्क करेंगे सेंटर और वेस्ट इन दोनों का भी हमें सेंटर लेना है और हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे अब जो भी हमारा सबसे नीचे वाला मार्किंग है वहां से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे हाफ इंच बाहर जाना सबके लिए फिक्स है ऊपर वाले मार्किंग में हम बाहर जाएंगे 25, और इसके ऊपर वाले मार्किंग में cut cut. मार्किंग में में कट कट सारे को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा एक सेप बना देना है तो हम पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हम पॉइंट ट्वेंटी फाइव के साथ मिलाएंगे फिर ऊपर कट टू कट अब सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे सेप बनाना है इस तरह से हमने यहाँ पे सेब बना दिया है अब देखो कि हम आपकी जो साइड में क्रीज आती है ना ब्लाउज में वो इसलिए आती है कि हम यहाँ पे कुछ डाट को चेक नहीं करते हैं फिर हम जब प्रिंसेस कट को ज्वाइंट करते हैं या कोई भी डाट बनाते हैं तो वो नहीं होता है वो अन ईवन होता है हमारा प्रिंसेस कट बढ़ जाता है वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम रीचेक नहीं करते हैं आपको इसको रीचेक करना है देखो ए वाली लाइन से यहाँ पे हमें देखना है कितना आ रहा है सबका अलग अलग होगा मेरा आ रहा है फाइव पॉइंट सेवेंटी फाइव तो यहाँ पे मैं दूसरी लाइन चेक करूंगी तो देखो मेरी वाली लाइन कितनी आ रही है पर मुझे पे पे मार्क कितना करना है है ओके पे आपका जितना आ रहा है, उतना ही आपका दूसरी लाइन पे मार्क होना चाहिए और वो भी आपको सेप में ही चेक करना है तो देखो यहाँ पे मेरा फाइव पॉइंट सेवनटी फाइव आ रहा है जहाँ पे हमने मार्क कर दिया अब इसके बाद आपका स्ट्रेट लाइन और जो आपने मार्क किया दोनों के बीच में अलग अलग गैप होगा

तो मेरा यहाँ पे हाफ इंच का गैप है तो मैं यहाँ पे ऊपर जाऊंगी वन इंच और मैं यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रो करूंगी जिससे हमारा ब्लाउज लेवल में भी बैठेगा और साइड में हमारी क्रीज भी नहीं आएगी और यहाँ से भी हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे तो देखो कि हमारी लेंथ यहाँ से बिल्कुल भी कम नहीं हुई है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी लेंथ कितनी है फिफ्टीन इंच तो मुझे यहाँ पे सिक्सटीन इंच मार्क मिला ओके okay, से सर सेप में देखेंगे तो परफेक्ट हमें सिक्सटीन इंच मिल गया है पर हमारी जो बॉडी है वो यहाँ से ज्यादा है साइड में नहीं है और ना तो सेंटर में है तो सेंटर में भी मुझे कम करना पड़ेगा और साइड में से भी मुझे कम करना पड़ेगा अगर हम कम नहीं करेंगे तो ये सारी क्रीज आएगी अब इसके बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे आर्मोल डाट तो आर्मोल डाट हमने यहाँ पे जितना भी वेस्ट डाट लिया है उसका आधा हमें आर्मोल डाट लेना है तो आर्मोल वाला डाट मेरा होगा वन तो जो भी हमने चेस लाइन ड्रो की है वहां पे हम मेजर टेप रखेंगे 1.25 ओके आपके साइज के हिसाब से आपको जितना भी डाट लेना है तो उतना ही डाट आपको मतलब उतना ही मार्किंग आपको चेस्ट वाली लाइन पे ऐसे रखना है तो मैंने 1.25 ऐसे रखा जहां पे भी मेरा आर्मोल में वो टच हो रहा है वहां पे मैं एक मार्क करूंगी अब यही मार्किंग को मैं apex पॉइंट पे मिलाऊंगी ये जो भी हमने मार्क किया है उससे हमें ऊपर एक मार्क करना है तो ऊपर वाला मार्किंग हम कितना करेंगे हमें जितना डाट लेना है उसका हाफ समझो कि मेरा डाट यहाँ पे 1.25 तो उसका मैं हाफ करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन तो ये जो भी मार्किंग है वहां से हम ऊपर मार्क करेंगे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन ओके अगर आपका डाट साइज के हिसाब से ज्यादा है तो आपका जितना डाट उसका आधा मार्किंग आपको ऊपर करना है फिर जो भी हमने मार्क किया उसको हम एपेक्स पॉइंट पे मिलाएंगे और हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है अब इसके बाद हमें हाफ इंच नीचे से मार्क करना है यानी जो भी अभी हमने आर्म होल वाला सेब ड्रॉ किया है फ्रंट का तो वही सेब को ध्यान में रखते हुए हाफ इंच नीचे से मैं मेजर टेप रखूंगी और जहाँ पे भी मेरा वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव आ रहा है वहां पे मैं मार्क करूंगी यानी हमें साइज के हिसाब से जितना डाट लेना है वो मार्किंग आपको यहाँ पे करना है मार्किंग और एपेक्स पॉइंट इन दोनों को ध्यान में रखते हुए। हम पे एक आपकी डाट लाइन आएगी अब हमें यहाँ पे ए लाइन को भी रीचेक करना है जैसे मैंने ए वाली लाइन को चेक किया वैसे हम ऊपर वाली लाइन को भी चेक करेंगे तो यहाँ पे मेरा गेप आ रहा है सिक्स इंच में एक लाइन कम तो दूसरे में भी हमारा आना चाहिए सिक्स इंच में एक लाइन कम और हम यहाँ पे मार्क करेंगे ओके okay, तभी तो हमारा लाइन बराबर होगा और आपको ऐसा भी लगेगा कि देखो कि हमने यहाँ से माइनस किया और यहाँ पे प्लस किया अगर हमें माइनस ना करते तो पर ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं करना है क्योंकि ए एपिक्स फिर आपका नीचे चला जाएगा आपको जो पॉफ जहाँ पे बनना है वहां पे नहीं बनेगा और जो सेब चाहिए वो सेब भी नहीं आएगा अब इतना करने के बाद देखो कि मैंने यहाँ पे इतना बड़ा डांट लिया है पर डाट का हमने कहीं पे भी एड नहीं किया है ये जो टू इंच एड किया वो तो हमारा लूजिंग था तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो भी हमारी चेस्ट वाली लाइन है वहां से हम नीचे जाएंगे हाफ इंच और हम यहाँ पे मार्क करेंगे तो हाफ इंच नीचे हमने एक ऐसा मार्क कर दिया है अब जो और हाफ इंच नीचे जाना सबके लिए फिक्स है अगर आपकी चेस्ट 45 से ज्यादा है तो आप यहाँ पे पॉइंट सेवेंटी फाइव जितना नीचे जा सकते हो अब जो भी हमने मार्क किया है मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट और जो भी अभी हमने यहाँ पे डाट को चेक करते हुए मार्क किया वहाँ, वो मार्किंग को भी ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे अब इसके बाद मुझे यहाँ पे आर्मोल का सेप बनाना है तो मैं अभी यहाँ पे नॉर्मल ऐसे आरमोल वाला सेप ड्रॉ कर, कर दूंगी देखो यहाँ पे जो मेरा पिंक वाला लाइन है वो फाइनल लाइन है वैसे देखो कि आपका यहाँ पे ऐसे मिक्स मर्ज हो गया है पर जब भी हम इसको कट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा ऐसे देखो आर्मोल वाला जो भी डाट है वहां पे मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया है ये माइनस हो जाएगा ये जो भी वेस्ट वाला डाट है वो भी हमारा माइनस हो जाएगा और इसके बाद हमें सेंटर वाला डाट लेना है और सेंटर वाला डाट क्यू और कब लेना है तो जब भी हमें बॉडी का जो फिटिंग है वो हमें इस तरह से चाहिए यानी समझो कि ऐसे सेप में दिखाना है तो इतना हम यहाँ पे डाट ले सकते हैं और अगर आपको ब्लाउज नीचे से थोड़ा सा क्रॉस चाहिए सेप में तो भी आप एर वाला डाट ले सकते हो अभी हम यहाँ पे डाट ऐसे रेगुलरली रखेंगे वन इंच जितना वन इंच से हम पॉइंट सेवेंटी फाइव का डाट लेंगे तो हमारा नीचे से सेप से क्रॉस भी नहीं आएगा ब्लाउज के हमारा नीचे से स्ट्रेट रहेगा पर यहाँ पे जो क्रीज आती है जो नेक लूज होता है वो यहाँ से हमारा कवर हो जाएगा ओके okay, तो यहाँ पे हम सेंटर वाला डाट लेंगे और सेंटर वाला डाट हम ले भी सकते हैं क्योंकि वो दिखने वाला नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे से पूरे में लेस आने वाला है तो डाट हमारा माइनस हो जाएगा वो कैसे माइनस होगा वो भी सब कुछ कटिंग में क्लियर होगा तो अभी हम यहाँ पे डाट लेंगे ओके okay, तो यहाँ पे हम पॉइंट सेवेंटी फाइव से वॉर्न इंच जितना डाट ले सकते हैं तो अभी मैं यहाँ पे डांट लूंगी पॉइंट सेवेंटी फाइव क्योंकि हमें रेगुलरली ऐसे कोई इतना भी ज्यादा सेट नहीं देना है तो पॉइंट सेवेंटी का आधा कितना होगा तो हाफ इंच के ऊपर हाफ इंच में थोड़ा सा कम यानी एक लाइन कम तो दोनों साइड हम इतना कम मार्क करेंगे ओके तो टोटल देखो मेरा पॉइंट सेवेंटी फाइव का डाट आ जाएगा और इसको मुझे एपेक्स पॉइंट पे मिला देना है और ऐसे हम लाइन ड्रो करेंगे तो इस तरह से भी हमारा डाट आ गया है तो, तो तीनों में से कोई भी डांट दिखने वाला नहीं है डाट तो हमारा दिखा दिखेगा शोल्डर टू वेस्ट डाट तो मुझे सिर्फ वो डाट ड्रॉ करना है अगर आपको यहाँ पे वन डाट वाला ब्लाउज बनाना है तो आप दोनों डाट को माइनस करके वन डाट वाला ब्लाउज भी बना सकते हो

अब सेंटर वाला मार्किंग और एपेक्स पॉइंट इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है अब जो भी लाइन हमने ड्रॉ किया है उसका हमें सेंटर लेना है हम सेंटर पे एक मार्क करेंगे और जहां पे भी हमने सेंटर मार्क किया है आपको भी सेम ही प्रोसेस फॉलो करनी है आपकी साइज कोई भी है लाइन का सेंटर सेंटर से हम हाफ इंच जितना नेक वाली साइड जाएंगे और ये आपको कब करना है जब आपका नेक वी है क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा गेप कम है और यहाँ पे ज्यादा है तो इसको कवर करने के लिए मुझे सेब को थोड़ा सा अंदर देना पड़ेगा पर वो बनने के बाद आपका एकदम प्रॉपर स्ट्रेट होगा पर अगर हम स्ट्रेट लाइन लेंगे तो साइड में चला जाएगा तो ए मार्किंग को मैं यहाँ पे मिलाऊंगी और ए वाले मार्किंग को एपेक्स पॉइंट पे यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए ऐसे हमें सेब दे देना है और कहीं बार ऐसा होता है कि यहाँ पे हमें लूज होता है ब्लाउज हमारा थोड़ा सा ब्लाउज में थोड़ी सी क्रीज आती है तो यहाँ पे भी आप डाट को माइनस कर सकते हो यानी जो बीच में जो भी मार्क है ना उसको माइनस कर दो तो यहाँ से आपका ब्लाउज लूज भी नहीं रहेगा परफेक्ट होगा पर अभी के लिए माइनस नहीं करेंगे तो चलेगा यही से हम फाइनल लगते हैं डन तो अभी इस तरह से हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है उसका ड्राफ्टिंग रेडी है अब हम इसको कट करेंगे आप सबको क्लियर हुआ कि आपकी जो साइड से क्रीज आती है तो इस, इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे आर्मोल वाला डाट है उसको माइनस कर देंगे तो वो क्रीज भी चली जाएगी और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखो कि मेरा ऐसे हमने कितना ब्लाउज को कम कर दिया जैसे कि साइड से भी हमारा कम हो चुका है सेंटर से भी हम हाफ इंच कम गए पर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लेंथ में हमारा जो हमने लेंथ यहाँ से ली थी सेंटर में तो वो वाली लेंथ तो हमें जितनी चाहिए उतनी है उसमें हमने कुछ भी कम नहीं किया है जो भी कम किया वो साइड में किया और वैसे आपको भी पता है कि आपकी फ्रंट में सेफ है, में सेफ है किसी का नहीं क्योंकि लेवल हम कहां से करेंगे तो साइड में से ही होगा ओके तो वो सब कुछ अभी आपको धीरे धीरे क्लियर होगा तो उससे पहले हमें फ्रंट वाले पार्ट को कट करना पड़ेगा और आप सब मुझे कॉमेंट करके बताओ ये वाला ब्लाउज आपको कैसा लग रहा है जो भी मैं प्रोसेस सिखा रही हूँ आपको समझ में आ रही है सिर्फ आपको छोटे छोटे डाउट है वो क्लियर हो रहे हैं क्योंकि कोई भी नई चीज एक बार में समझ में नहीं आती थोड़ा सा हार्ड भी लगता होगा किसी को पर सिर्फ प्रॉब्लम आपके जो है वो सोल्व हो रहे हैं ना तो अब हम कट करेंगे सबसे पहले जो भी मेरा यहाँ पे नेक का सेप है उसको मैं कट करूंगी जो भी शोल्डर की क्रॉस वाली लाइन है उसको मैं कट करूंगी आर्मोल को मैं थोड़ा सा बड़ा ही कट करना है नीचे की जो लाइन है उसको हमने कट किया ओके okay, नीचे आप देख सकते हो कि नीचे की स्ट्रेट लाइन यूज नहीं करनी यहाँ पे क्रॉस ए वाली क्रॉस और आरमोल को हमने इस तरह से बड़ा बड़ा कट कर दिया है अब हमें यहाँ पे डाट को माइनस करना है तो डाट को कैसे माइनस करना है अभी हम वो देखेंगे उससे पहले हमें यहाँ पे एक डाट को कट करना होगा जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरह से जो भी वेस्ट वाला डाट है उसको मैं कट कर रही हूँ अब इसके बाद हम यहाँ पे आरमोल वाला जो डार्ट है उसको माइनस करेंगे तो इस तरह से दोनों लाइन को हमें मैच करना है और लाइन को मैच करने के बाद यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे तो जो आरमोल में आपकी जो भी क्रीज आती है वो चली जाएगी अब इसके बाद जो भी यहां पे हमारा सेंटर वाला डार्ट है तो उसको भी हम माइनस कर देंगे तो देखो माइनस किया तो नीचे का डार्ट कितना हमारा ज्यादा हो चुका है अब इसके बाद पहले तो हमें आरमोल का जो सेप है वो हमें बनाना है तो आरमोल वाला हम कैसे बनाएंगे अभी हम वो देखेंगे ओके तो यहाँ पे देखो कि हमारा पहले वाला जो सेप था वो तो देखो यहाँ पे है व्हाइट वाला दिख रहा है तो वो तो कुछ अलग ही दिख रहा है और ए व्हाइट और ए पिंक देखो वो मर्ज हो रहा है तो सिर्फ हमें क्या करना है उसको मैच करना है इसलिए हम पहले बड़ा ही कट करते हैं सिर्फ इसको मिलाना है तो अब देखो ये वाला जो भी सेप है वो हमारा सेप एकदम परफेक्ट है तो इस तरह से अब है उसको हम कट कर देंगे अब इसके बाद हमारा जो भी शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाली लाइन हमने ड्रॉ की थी यहाँ पे तो उसको भी हम कट करेंगे तो इस तरह से हमने इतना कट कर दिया अब यहाँ पे जो भी हमारे वरना वो पॉइंट बाहर दिख के आएगा माइनस करोगे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो देखो इस तरह से मैंने इतना कट कर दिया पर आपको यहाँ पे भी देखना है यहाँ पे भी आपका पॉइंट बना होगा क्योंकि सेंटर डॉट माइनस किया ना तो नॉर्मल हम यहाँ से भी कट कर देंगे तो इस तरह से हमने इतना कट कर दिया है अब हम देखेंगे कि हमारा पॉइंट बन रहा है या नहीं बन रहा है तो अब देख सकते हो इस तरह से देखो कि जब भी मेरा पार्ट ज्वाइंट होगा तो देखो हमारा पॉइंट धीरे धीरे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे हमारा पॉइंट नहीं बनेगा और जब हम ये वाले पार्ट को ज्वाइंट भी करेंगे आपको इसे चेक कर लेना है तो जब भी मैं दोनों पार्ट को मैच करूंगी तो आप देख सकते हो कि हमारा पार्ट एकदम परफेक्ट मिल चुका है ओके और जो आपको बॉडी के हिसाब से सेप चाहिए वो सेप भी आपको यहाँ पे एकदम परफेक्ट मिल जाएगा कहीं पे भी कोई क्रीज नहीं यहाँ पे आपका पफ बन जाएगा साइड में आपका फ्लैट हो जाएगा नीचे की बॉडी है वो भी हमारी लेवल आएगी तो इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट रेडी है सिर्फ हमें इसमें सिलाई का एड करना होगा तो ए वाली साइड हमें पूरे में सिलाई का एड करना होगा और ए वाली साइड भी हमें पूरे में सिलाई का एड करना होगा ओके अब हम यही पार्ट को ध्यान में रखते हुए हम बैक साइड वाला पार्ट का कटिंग करेंगे अब देखो कि ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट है तो बैक साइड वाला पार्ट तो अभी देखो कि कई बार ऐसे हमारी प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो साइड वाला पार्ट है ना वो ब्लाउज को हम फिटिंग करते हैं ना तो खींच के हमें मिलाना पड़ता है मतलब वो मिलता ही नहीं है उसको एडजस्ट करना होता है या फिर कोई पार्ट हमारा बड़ा है तो उसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ कर तो 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 से पॉइंट ट्वेंटी फाइव नीचे वो कम्पल्सरी सबको जाना है फिर जो भी हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हुआ है उसको हम यहाँ पे मैच करेंगे आपको सिर्फ साइड वाली जो लाइन है उसको मिलाना है आर्मोल जहाँ पे जैसे जा रहे हैं उसको जाने दो और इसके बाद यहाँ पे जो भी लाइन है उसको मिलाओ और यहाँ पे भी जो लाइन है उसको भी मिलाएंगे अब जो भी ये वाला पार्ट है उसको हटा देना अब इसकी कोई जरूरत नहीं है अब हमें पहले नीचे का कंप्लीट करना है तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला गेप कितना आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा गेप आ रहा है वन इंच तो आपका यहाँ पे जितना गेप आ रहा है उससे हम यहाँ पे पॉइंट ट्वेंटी फाइव या वन एंड हाफ यानी हाफ इंच जितना भी ऊपर जा सकते हैं तो मेरा यहाँ पे वन इंच का गैप तो मैं यहाँ पे ऊपर जाऊंगी वन एंड हाफ इंच ये देखो सबका वन इंच नहीं आएगा अगर आपका पॉइंट सेवेंटी फाइव आ रहा है तो उससे आप यहाँ पे पॉइंट ट्वेंटी फाइव भी प्लस जा सकते हो और हाफ इंच भी प्लस जा सकते हो ओके आपका जितना गैप उससे हम पॉइंट ट्वेंटी फाइव से हाफ इंच ऊपर जाएंगे अब मैं मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी और यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए उसको सेब दे देना है अब इसके बाद हम यहाँ पे बैक साइड वाला आर्मोल बनाएंगे तो ये वाली लाइन जितनी भी क्रॉस जैसे भी क्रॉस जा रही है वैसे हम ड्रो करेंगे और जो भी बैक साइड वाला आर्मोल वाला सेप है तो उसी के साथ हमें उसको मैच कर देना है तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे लाइन को मैच कर दिया बैक वाला आर्मोल हमारा रेडी है अब हम यहाँ पे डाउन तो गई फिर भी जब भी हमारा स्लीवलेस ब्लाउज है तो यहाँ ऊपर से उठा हुआ रहता है शोल्डर पे तो उठा हुआ ना रहे इसकी वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट ट्वेंटी फाइव नीचे जाएंगे और लाइन को क्रॉस कट करेंगे मतलब जो भी आपका रेडी शोल्डर का मार्किंग है वहां तक हमें मार्क कर देना है थोड़ा सा क्रॉस तो इससे हमारी जो भी यहाँ पे आर्मोल लूज होता है यहाँ से ऊपर उठता है तो इस सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी ओके तो यहाँ से सिर्फ हम पॉइंट ट्वेंटी फाइव जितना नीचे गए हैं अब देखो हमारा ए बैक वाला नेक यहाँ पे जो मैं 25 नीचे गई वो और यहाँ पे हमने पॉइंट ट्वेंटी जितना माइनस भी किया था तो ए वाली लाइन को हम पूरा यहाँ तक कट करेंगे तो इस तरह से हमारा बैक साइड वाला पार्ट भी रेडी है अगर हमें यहाँ पे क्लिप का एड करना है तो हम इसी में क्लिप का एड कर सकते हैं पर मेरा ए वैसे एक्स्ट्रा असर ही है तो मैं यहाँ पे सिर्फ मार्क कर दूंगी और यहाँ पे हम बैक साइड वाला जो पार्ट है उसका कटिंग करेंगे तो इस तरह से मैंने नीचे वाली लाइन को कट कर दिया अब हम साइड वाली लाइन को कट करेंगे इसके बाद यहाँ पे हमारा जो भी आर्मोल है उसको भी हम कट कर देंगे ओके okay, अब यहाँ पे देखो कि हमारा जो भी आर्मोल है तो हम आर्मोल को भी यहाँ पे कट कर देंगे तो इस तरह से हमारा जो बैक साइड वाला पार्ट है तो वो भी रेडी है अब देखो कि यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो बैक साइड की लेंथ हमारी सोटी होगी जैसे कि यहाँ पे जो हम क्रॉस है ना पॉइंट ट्वेंटी फाइव इससे लेंथ में कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि वो तो यहाँ पे हमारा जो लूज होता है उसके उसको कवर करने के लिए हम क्रॉस गए हैं ओके यहाँ पे देखो कि मेरी बैक साइड की लेंथ कितनी आ रही है इंच यानी रेडी मुझे कितनी मिलेगी थर्टीन इंच पर मेरी फ्रंट की लेंथ कितनी है फिफ्टीन इंच तो दोनों के बीच में डिफरेंट कितना आएगा टू इंच तो इतना ज्यादा डिफरेंट ओके डिफरेंट होगा तभी तो हमें लेवल मिलेगा जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दू एक तो यहाँ पे देखो कि इस तरह से ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है पर बैक वाला पार्ट तो सबका स्ट्रेट ही होगा ना ओके अगर समझो कि मैं यहाँ से ऐसे चेक कर रही हूँ नाप रही हूँ तो यहाँ पे मेरी लेंथ मेरी फिफ्टीन इंच खत्म हो रही है पर मैं अगर स्ट्रेट चेक करूंगी तो मेरी फिफ्टीन इंच नीचे ही जाएगा हम क्या करते हैं इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं लेते हैं तो हम डिफरेंट नहीं लेंगे जैसे कि साइड में से फ्रंट में हमने जो भी यहाँ पे माइनस किया वो माइनस किया इसलिए मेरी बैक की लेंथ शॉर्ट हुई वो शॉर्ट हुई इसलिए मुझे लेवल मिलेगा नीचे से अगर मैं सब कुछ नहीं करती तो ऐसा नहीं कि मेरा ब्लाउज इतना ऊपर नीचे होगा आपका ब्लाउज तो यहाँ पे जो आपको लेवल चाहिए वहां पे ही मिलेगा पर ये सारा कहाँ पे चला जाएगा आगे की साइड तो इसकी वजह से आपकी जो शोल्डर लाइन है वो आगे की साइड आ जाती है इसकी वजह से आपका नेक भी ज्यादा हो जाता है नेक में क्रीज आती है बैक साइड वाला जो पार्ट है उसमें क्रीज होती है तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ से होती है हमें प्रॉब्लम कहाँ से होती है उसी को मतलब हमें नहीं पता चलता कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है तब आपको पता चला कि आपकी शोल्डर वाली लाइन आगे क्यों आती है नेक में क्रीज क्यों आती है नेक लूज क्यों होता है तो ये सब कुछ यहाँ से होता है अगर हम डिफरेंट भी देते तो वन इंच देता है पर ऐसा नहीं है वो साइज के हिसाब से होता है अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल दू आपको जैसे कि मेरी मतलब वो हाइट के हिसाब से भी होता है समझो कि ये मेरी हाइट मतलब रेगुलर है और किसी की मतलब दूसरे की हाइट भी रेगुलरी है पर मेरी चेस्ट का मेजरमेंट पर जो यहां पे कोई दूसरी व्यक्ति उसकी हम दोनों की बैक साइड की लेंथ तो सेम ही होगी क्योंकि हमारी दोनों की हाइट सेम है तो आपकी बॉडी कैसी है उसके हिसाब से अपने आप माइनस हो जाते वाली प्रोसेस में और ये सब कुछ हम डिटेल में सीखते हैं क्लास में ओके तो आप सबको सिर्फ इतना क्लियर हुआ कि शोल्डर की लाइन आगे क्यों आती है नेक क्यों लूज होता है ओके सब कुछ यहाँ से होता है तो अब हमने इस तरह से बेसिक तो हमारा फ्रंट और बैक का, का कटिंग हो चुका है एकदम प्रॉपर अब हम यहाँ पे सिर्फ वो देखेंगे कि साइड वाले पार्ट में हमें लास्टिक लगाना है अगर आपको लास्टिक नहीं लगाना है तो अभी जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ करने की जरूरत नहीं है और हमें इलास्टिक लगाना है तो हमें मार्जिन को भी माइनस करना होगा तो कैसे करने वो हम देखेंगे उसके बाद हम उसके बाद बाद हम हम में कटिंग और फिर स्टिचिंग भी देखने वाले है। तो यहां पे देखो कि हमारा बैक साइड वाला पार्ट है तो जब भी हमें साइड में लास्टिक लगाना है तो लास्टिक के लिए आप वैसे सब साइज के लिए यहाँ पे वन इंच रख सकते हो क्योंकि वो कम ही रखना है इतना ज्यादा नहीं रखना वरना वो आगे दिख के आएगा तो यहाँ पे देखो कि साइड से मैंने इस तरह से वन इंच वन इंच पे मार्क कर दिया है ए, मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर देनी है तो इस तरह से समझो कि मैंने वन इंच का लाइन ड्रॉ किया और जब भी हम लास्टिक लगाएंगे तो इसमें आपका मार्जिन तो नहीं आएगा मार्जिन आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे जो लास्टिक है तो उसको भी हमें निकालना पड़ेगा फिर सिलाई का एड करना है ओके तो इस तरह से आपको जो भी हमारा फ्रंट वाला पार्ट है तो उसमें भी सेम तरीके से आपको देखो कि जो भी फ्रंट वाला पार्ट है उसमें भी आपको यहाँ पे है वहां से. अब दोनों लाइन को चेक करना है जैसे कि कि तो देखो मैंने चेक किया तो मेरा फ्रंट वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है तो उसको मैं मार्क करूंगी उसको थोड़ा सा माइनस कर देंगे क्योंकि तो उसका लेवल होना जरूरी है डन तो यहां पे देखो कि मैं थोड़ा सा अंदर जाऊंगी तो अब देखो कि मैं इसको चेक करूंगी वापस से अब देखो मेरा दोनों वाला दोनों पार्ट एक परफेक्ट मिल चुका है डन तो ऐसे आपको प्रॉपर चेक करना है अब मैं क्या करूंगी इतना मैं फोल्ड ही कर दूंगी अब मैं यहाँ पे भी स्टिच का ऐड करूंगी बैक वाले पार्ट को भी इतना फोल्ड कर दूंगी और हम यहाँ पे भी स्टिच का ऐड करेंगे क्योंकि वो लास्टिक आने वाला है बीच में तो इस तरह से मार्जिन तो अंदर ही चला जाएगा और वन वन इंच वाला जो पार्ट है वो भी हमारा अंदर चला जाएगा तो इसके बाद हमें मैन फेब्रिक में कैसे कट करना है अस्तर में कैसे कट करना है वो सब कुछ मैं वो सिर्फ मैं आपको रेडी रखा है मैं बताऊंगी कि यहाँ पे हमें इतना ऐड किया है तो आप देखो कि यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है ओके और मेन फैब्रिक देखो कि हमारा साड़ी जैसा फैब्रिक है साड़ी से भी एकदम पतला फैब्रिक है तो जब भी हमारा इस तरह का पतला फैब्रिक है आपको परफेक्ट फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग करना है तो उसमें आपको नीचे क्या लगाना है फ्यूजिंग वो सब कुछ हम देखेंगे तो पहले तो देखो कि मैंने इस तरह से जो भी मेरा मेन फैब्रिक है उसको मैंने फोल्ड किया है तो आपको इसकी प्रिंट जैसे चाहिए उसके हिसाब से आपको फोल्ड करना है तो ऐसे मैंने फैब्रिक को देखो फोल्ड किया है अब जो भी हमने अभी सारे अस्तर कट किए तो उसी को हम यहाँ पे रखेंगे और हमें यहाँ पे जो मैन फैब्रिक है उसको हमें कट कर देना है तो ऐसे मैंने फोल्ड किया है ओके अब हम यहाँ पे सारे पार्ट को रखेंगे तो यहाँ पे जो मेरा अस्तर है तो अस्तर में देखो यहाँ पे हमारा ज्वाइंट आएगा क्योंकि डाट माइनस हुआ है तो यहाँ पे हमारा सेप आ चुका है तो यहाँ पे हमने हाफ हाफ इंच स्टिच का एड किया और जो भी हमारा सोल्डर टू तो वेस्ट वाला डाट है तो वहां पे भी हमने हाफ ऑफ इंच एड किया है जिसमें मेरा यहाँ पे फ्यूजिंग फ्यूजिंग मतलब मैंने क्रेप अस्तर को भी कर दिया है फेब्रिक हमारा ट्रांसपेरेंट है और नीचे हमने और एक क्रेप अस्तर भी ले लिया है जिससे हम पूरा ब्लाउज कवर करेंगे तो हमारा फ्यूजिंग वाला फैब्रिक भी नहीं दिखेगा आगे पीछे से हमारा ब्लाउज एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी होगा ओके तो ये तो हमारा एक फ्रंट वाला पार्ट हुआ वैसे सेम हम यहाँ पे साइड वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट भी रखेंगे ओके तो वो अभी हमारा कट हो रहा है और कट होने के बाद अभी हम देखेंगे उसको अब देखो कि यहाँ पे तो हमारा अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा वैसे हमें इसको बड़ा ही कट करना है तो ये वाले पार्ट को मैं यहाँ पे ऐसे रखूंगी अब इसके बाद हमारा जो भी बैक साइड वाला पार्ट है तो उसको भी हमें यहाँ पे रखना है फिर हम कट करेंगे और देखो वाला भी कट हो चुका है। ओके इस तरह देखो साइड में हमने हाफ इंच ऐड किया और यहाँ पे हमने ऐड किया तो ये वाला पार्ट यहाँ पे हमारा इस तरह से सेट हो गया है इसको साइड से आपको स्ट्रेट रखना है बाकी जितना क्रॉस जैसे भी जा रहे हैं उसको जाने दो और यहाँ पे हमारे जो भी बैक साइड वाला पार्ट है तो उसको भी हम यहाँ पे साइड से हमें इतना माइनस कर देना है यहाँ पे हमारा स्टिच का ऐड होगा और यहाँ पे स्टिच का ऐड होगा तो इस तरह से हमने फैब्रिक को सेट कर दिया है अब मेन फैब्रिक को हमें बड़ा ही कट कर देना है तो इस तरह देखो कि मेन फेब्रिक को मैं यहाँ पे बड़ा ही कट करूँगी यहाँ पे वैसे भी हमारा स्टिच का ऐड करना बाकी है और इसमें समझो कि हमारा आधा मीटर फैब्रिक भी यूज नहीं हुआ है और यहाँ पे मेरा बैक साइड वाला जो पार्ट है उसको मैं सेंटर से कट भी कर देना है Okay, तो इस तरह से देखो कि हमारा जो भी मैन फैब्रिक है तो हमने इस तरह से बड़ा बड़ा कट कर दिया है इसको फ्रंट में हम सेंटर से भी कट कर देंगे तो हमारा दोनों साइड स्टिच का एड है और अभी हम उसको ये देखेंगे जैसे कि देखो कि हमारा अस्तर है तो अस्तर को ध्यान में रखते हुए हमने दोनों साइड स्टिच का एड किया ये जो मेरा क्रेप अस्तर उसी में हमने फ्यूजिंग कर दिया है तो इससे हमारी क्वालिटी भी अच्छी होगी और ब्लाउज का फिनिशिंग भी हमारा मस्त होगा और इसके नीचे हमारा अस्तर ओके तो यहाँ पे देखो कि इस तरह से ए वाले पार्ट में हमारा अस्तर कट हो रहा है तो यहाँ पे आप ए वाला पार्ट देख सकते हो कि इसमें फ्यूजिंग और इसके बाद में हमारा अस्तर ओके इससे कवर होगा ये बिना फ्यूजिंग का है और इसमें हमारा फ्यूजिंग है और इसके ऊपर हमारा मेन फेब्रिक है तो ऐसे हमारा सारे पार्ट में होगा बैक में भी होगा और फ्रंट में भी होगा तो इस तरह से हमारा कट हो चुका है ओके अब हम यहाँ पे स्टिचिंग देखेंगे तो अब देखो कि अभी हमने यहाँ पे जो भी बैक साइड वाला पार्ट कट किया है ओके इस तरह से हमने मैन फेब्रिक को इस तरह से बड़ा ही कट किया है और यहाँ पे देखो कि हमारे नीचे इस तरह से फ्यूजिंग वाला पार्ट है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले हमें पिंस लगानी है और हमें पॉइंट ट्वेंटी फाइव पॉइंट ट्वेंटी फाइव की स्टिच लगा देनी है वैसे मैं देखो यहाँ पे बैक साइड वाला पार्ट आपको बता रही हूँ बैक वाला पार्ट में रेडी करूंगी तब तक हमारा बाकी का जो भी पार्ट है वो सब में हम पॉइंट ट्वेंटी फाइव पॉइंट ट्वेंटी फाइव की स्टिच लगा के रेडी रखते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से पॉइंट ट्वेंटी फाइव पे मैं स्टिच लगाऊंगी 一个，不耽误事。 ओके okay, तो इस तरह देखो कि मैं यहाँ पे फैब्रिक को ऐसे लूजी रखते जा रही हूँ तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी है अब देखो कि पहले से आपको फैब्रिक कट नहीं कर देना है पहले हम एक बार प्रेस लगाएंगे चेक करेंगे कि कहीं पे हमारा फैब्रिक ऐसे उठा हुआ नहीं है ना ओके तो उसके बाद हम फैब्रिक को कट करेंगे तो इस तरह से मैंने बैक साइड वाले पार्ट पे ऐसे स्टिच लगा दिया है अब हम पहले एक बार यहाँ पे प्रेस लगा देंगे तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे प्रेस लगाया है आगे से भी हम एक बार प्रेस लगाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी फैब्रिक में कहीं पे भी, भी क्रीज नहीं आ रही है ओके तो अब मैं यहाँ पे फैब्रिक को कट कर सकती हूँ पर समझो कि अगर आपकी यहाँ पे ऐसे क्रीज आ रही है तो आपको क्या करना है जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि क्रीज आ रही है तो उतनी स्टिच खोल के फैब्रिक को एडजस्ट करके वापस स्टिच लगानी है ओके अब हम यहाँ पे जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे और ऐसे हमें सारे पार्ट को रेडी कर देना है जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे कोई एक ही पार्ट बताया वो भी बैक साइड वाला पार्ट ओके okay, तो इस तरह से देखो कि हमारा जो भी बैक साइड वाला पार्ट है उसको हमने कट कर दिया है अब हम यही बैक साइड वाले पार्ट को कैसे कवर करना है जैसे कि नेक को भी हम कवर करेंगे नीचे वाले पार्ट को भी हम कवर करेंगे तो वो हम देखेंगे तो देखो इसका हमारा इस तरह से अस्तर का कटिंग रेडी है ओके तो अब हम पहले नेक को पलटी करेंगे फिर हमारी जो वेस्ट वाली लाइन है तो उसको हम पलटी करेंगे तो दोनों को इस तरह से राइट के ऊपर राइट रखना है अस्तर में तो रॉन्ग राइट ऐसा होता नहीं है पर मेन फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर रखेंगे अब हम पहले नेक और नीचे की साइड वेस्ट पे स्टिच लगाएंगे तो यहाँ पे आपको हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगानी है दोनों को हम परफेक्ट मिलाते जाएंगे और हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे अब स्टिच लगाने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे कट लगाना है टीच कट नहीं होनी चाहिए ये आपको ध्यान में रखना है और इसके बाद हम यहाँ पे धार स्टिच लगाएंगे तो जो भी मार्जिन है वो सारा मार्जिन हम अस्तर वाली साइड जाने देंगे और यहाँ पे हम धार स्टिच लगा देंगे और इसके बाद वापस अस्तर को जैसे हमने रखा था वैसे ही रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे और नीचे वाली स्टीच लगाने के लिए आपको अस्तर की एक लाइन को बाहर रखना है थोड़ा सा जिससे आपका अस्तर दिखेगा नहीं मतलब बना गया है कि अस्तर हमारा बाहर आएगा तो अस्तर की एक लाइन को हमने बाहर रखा और अस्तर को ध्यान में रखते हम हाफ इंच के गैप पे स्टीच लगाएंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे स्टीच लगा देंगे यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे अब इसके बाद यहाँ पे भी हमें धात स्टिच लगा देनी है तो जो भी मार्जिन है उसको हम अस्तर वाले साइड जाने देंगे और यहाँ पे हम धात स्टिच लगाएंगे अब इसके बाद यहाँ पे हमें पहले प्रेस लगाना है और इससे भी पहले हम यहाँ पे सिर्फ एक स्टिच लगा देंगे देखो कि इसे अब मेरा अस्तर है वो अंदर ही रहेगा अब वो बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हमने नीचे से अस्तर की एक लाइन को बाहर निकाल दिया है अब मैं यहाँ पे पॉइंट ट्वेंटी फाइव के गैप पे स्टिच लगाऊंगी आपको अस्तर को लूज ही रखते जाना है और यहाँ पे आपको स्टिच लगाते जानी है तो इस तरह देखो कि हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी है अस्तर को लूज रखते हुए हमारी थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे छोटी सी पीट चाहिए, है पर वो दिखेगी नहीं ओके अब हम यहाँ पे बैक साइड वाले पार्ट को प्रेस लगा देंगे पहले इन प्रेस मार देते हैं एक आराम ना क्लिप आयनु बताइ दो पर बैक पार्ट पूरा यहाँ पे मैं अस्तर को ध्यान में रखूंगी मेन फैब्रिक और यहाँ पे मैं पॉइंट ट्वेंटी फाइव पॉइंट ट्वेंटी फाइव के गैप पे मैं स्टिच लगा दूंगी दें। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे स्टिच लग चुकी है ओके अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्लिप आई लगाना है अब तो हम पहले बैक साइड वाले पार्ट को देखेंगे तो हमने यहाँ पे स्टीच लगा दी है ओके तो सिर्फ आपका आर्म होल और शोल्डर वही ओपन होगा और सेम तरीके से आपका जो दूसरी साइड का जो बैक साइड वाला पार्ट है तो वो भी इस तरह से रेडी होगा आपको इससे पहले दोनों बैक वाले पार्ट को मैच करना है अगर आपका थोड़ा सा भी आगे पीछे तो उसको आप पहले कट करो कट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिप और आई जैसे आप रेगुलर तरीके से लगाते हो वैसे आपको यहाँ पे लगा देनी है ओके okay, क्लिप आई हम यहाँ पे रेडी रखते हैं क्लिप आई के बाद हम पहले यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट देखेंगे तो इतना हम रेडी कर देते हैं क्लिप आई अब हम देखेंगे कि यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट कैसे बनाना है तो यहाँ पे हमारा ये जो भी फ्रंट वाला पार्ट है तो इसमें देखो कि हमारा इस तरह से डाट था यहाँ पे स्टिच का भी यहाँ पे हमारा एड है ओके ये हमारा साइड वाला पार्ट है और ये हमारा नेक है और ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है तो यहाँ पे हमें दोनों पार्ट को ऐसे मिलाते हुए शोल्डर टू वेस्ट डाट पे स्टिच लगानी है तो इसकी स्टिच हम लगाएंगे नीचे से तो दोनों पार्ट को मिलाते हुए हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे यहाँ पे मैं दोनों पार्ट को मिलाऊंगी और मैं हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाऊंगी ओके तो दोनों पार्ट को मिलाते जाना है और ऐसे यहाँ पे आपने जितना भी स्टिच का ऐड किया है उतना ही आपका स्टिच में जाना चाहिए तो दोनों पार्ट को मिलाते जाएंगे और हाफ हाफ इंच के गैप पे हम स्टिच लगाते जाएंगे देखो तो कि हमने पे शोल्डर टू वाइस डार्ट है वो ज्वाइंट कर दा, कर दिया है इसी तरह से हमारा जो दूसरी सर वाला पार्ट है तो उसको भी हम ज्वाइंट कर ही रहे हैं ओके अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कट लगाना है तो जहाँ पे भी पॉइंट है वहां पे तो कट लगाएंगे ही उससे थोड़ा सा नीचे ऐसे दो कट लगा देंगे इससे थोड़ा सा ऊपर और दो कट लगा देंगे तो ऐसे आपको फोर से फाइव कट लगाना है इससे आपका प्रेस इजीली और परफेक्ट तरीके से लगेगा डन तो अब देखो कि यहाँ पे हम प्रेस लगाएंगे तो प्रेस लगाने के लिए हमारा जो भी ऊपर वाला पार्ट है नीचे मतलब ये नीचे वाला पार्ट वो जैसे जा रहा है वैसे जाने दो ये हमारा नेक साइड और आर्मोल वाला पार्ट है तो उसको प्रॉपर स्ट्रेट रखो और कहीं पे भी क्रीस नहीं आनी चाहिए वैसे तो रखने के बाद हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे ऐसे तो देखो हमें इतने में प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है ओके तो आप आगे से भी देख सकते हो कि जहाँ पे भी हमारी प्रेस लगेगी वहां पे हमारा फिनिशिंग कुछ अलग तरीके से ही आ जाएगा और इसके बाद अभी हमने देखो कि अब देखो इसमें ऐसे आपको दिखेगा कि इतने में मैंने प्रेस लगाई इसमें नहीं लगे तो आपको कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है प्रेस वाला या बिना प्रेस का अब हम यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को प्रेस लगाएंगे तो इसमें जब हम प्रेस लगाते तो हमारी बहुत सारी क्रीज आती है तो ऐसा आप यहाँ पे कप को बीच में एक्स्ट्रा फेब्रिक रख के आप घर पे भी बना सकते हो ओके तो आपकी प्रेस एकदम परफेक्टली लगेगी तो यहाँ देखो कि मैंने इस तरह से पार्ट को सेट किया इसका जो भी मार्जिन है उसको हम ओपन करेंगे और हम यहाँ पे प्रेस लगाते जाएंगे तो इस तरह से देखो कि हमने यहां पे शोल्डर टू वेस्ट स्टार्ट में प्रेस लगा दी है पीछे से अब हम एक बार यहाँ पे प्रेस आगे से भी लगा देंगे डन तो यहां पे आप देख सकते हो कि इस तरह से हमने यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट स्टार्ट में प्रेस लगा दिया है ओके okay? अब यही सेम तरीके से हमारा जो दूसरी साइड वाला पार्ट है तो वो भी हमने रेडी कर दिया है अब हमें दोनों को ज्वाइन कर देना है अब देखो कि यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर रहे हैं ओके okay? तब तक मैं आपको अस्तर एक्सप्लेन कर देती हूँ जैसे हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक में शोल्डर टू वेस्टार्ट ज्वाइन किया वैसे ही सेम हमने यहाँ पे अस्तर में भी सोल्डर टू वेस्ट डाट वाला जो पार्ट है उसको हमने ज्वाइन कर दिया है ये ज्वाइन करने के बाद ये दोनों पार्ट को मिलाना है और यहाँ पे हमारा जो भी सेंटर वाला पार्ट है उसमें भी हम स्टिच लगा देंगे हाफ इंच के गैप पे और यहाँ पे भी देखो हमने ऐसे तीन चार कट लगा दिया है ओके और इस तरह से जब हम ओपन करेंगे तो हमारा पार्ट इस तरह से रेडी होगा डन अब हमें यहाँ पे सेम तरीके से हमने यहाँ पे जो भी हमारा फ्रंट मैन फैब्रिक है तो उसको भी हमने सेंटर में ज्वाइंट कर दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारा सेंटर पे वो ज्वाइंट हो चुका है उसमें भी हमने ऐसे दो से तीन कट लगा दिया और इसमें भी हमने प्रेस लगा दिया है तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो इतना रेडी है तो इतना सेम तरीके से आपको पहले रेडी करना है अब हम यहाँ पे देखेंगे कि नेक में कैसे हमें लेस लगाना है कैसे पाइपिंग के साथ लेस लगाएंगे कैसे नेक और वैस को पलटी करना है और उसके बाद हम कफ्स लगाएंगे अब देखो कि यहां पे आपको लेस के साथ अगर पाइपिंग लगाना है तो ये देखो मेरी लेस है उसके साथ मैंने इस तरह से पाइपिंग रखा अगर आपको सिंगल लेस लगानी है तो जैसे अगर मैं जो यहाँ पे पाइपिंग लगा रही हूँ सिंगल पाइपिंग लगानी है तो आप सिंगल पाइपिंग भी अटैच कर सकते हो तो आपको पहले अटैच करना पड़ेगा तो अब देखो कि यहाँ पे हमें लेस के एकदम नजदीक पाइपिंग को रखते जाना है और स्टिच लगाते जानी है और समझो कि हम ऐसे एकदम नजदीक रखेंगे तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे बीच में हमारा थोड़ा सा गैप दिखेगा तो हम क्या करेंगे जो भी हमारा मार्क है पाइपिंग को थोड़ा सा ऊपर जाने देंगे और यहाँ पे स्टिच लगाएंगे नजदीक मतलब यानी पाइपिंग की स्टिच और इसकी जो लाइन है वो मैच होनी चाहिए तो आपका बीच में गेप नहीं रहेगा तो इस तरह से देखो कि हमने पाइपिंग लगा दी है तो इसी तरह से आपको पूरे लेस में पाइपिंग लगा देनी है तो ऐसे मैंने यहाँ पे दो पाइपिंग रेडी कर दिया पाइपिंग के साथ हमने लेस को अटैच कर दिया है अब हमें इसी को नेक में कैसे लगाना है हम वो देखेंगे अब देखो कि यहाँ पे हमारा गेप जैसे मैंने आपको ड्राइंग किया था तब मैंने बोला था कि यहाँ पे हमारा 1.25 जितना गेप आ रहा है तो जो हमारा जो भी यहाँ पे 1.25 का गेप आ रहा था तो उसको हमें पहले मार्क करना है तो यहां पे मेरा गेप है वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव तो यहां से आप पहले मार्क करोगे ओके वहां तक हमारी स्टेट स्टिच फिर यहां पे डायरेक्ट वो क्रॉस हो जाएगा इसको हम कैसे लगाएंगे पहले नीचे से लगाना स्टार्ट करना है तो जो पाइपिंग है वो हमारी इस तरह से सेंटर पे होनी चाहिए इस तरह से हम पहले ए वाली साइड से लगाएंगे और स्टीच हम अंदर से ही लगाएंगे तो यहाँ पे हमारी जो सेंटर है तो वहां पे हम परफेक्ट पाइपिंग को मैच करते जाएंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगाते जाएंगे तो इस तरह से हमारी जो पाइपिंग है उसको हम सेंटर के साथ मिला रहे हैं और हम यहाँ पे स्टिच लगा रहे हैं और जहां तक हमने मार्क किया है वहां तक ही हमें स्टिच लगाना है उससे आगे हम स्टिच नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे हमें लॉक भी लगा देना है तो देखो कि इस तरह से हमने परफेक्ट जहां तक मार्क किया था वहां तक हमने इस तरह से लेस लगा दिया है सेम तरीके से हम दूसरी साइड का जो लेस है तो उसको भी हम सेम तरीके से लगाएंगे अब ए वाली स्टिच मुझे यहाँ से लगानी स्टार्ट करनी पड़ेगी वरना मैं प्रेसर फुट चेंज करना पड़ेगा तो ऐसे देखो कि मैंने परफेक्ट यहाँ पे ऐसे मिलाया पाइपिंग को और जहां पे भी मेरा मार्क है वहां से ही मुझे स्टिच लगाना स्टार्ट करना है तो पहले हम यहाँ पे लॉक लगाएंगे मैंने लॉक तो लगा दिया है मैं चेक करूंगी कि मार्किंग तक लॉक लगा है यस अब इसके बाद पाइपिंग को देखो एकदम नजदीक रखना है और यहाँ पे हम स्टिच लगाते जाएंगे मतलब लग दूसरी पाइपिंग के साथ परफेक्ट मिलाते जाना है और हमें यहाँ पे स्टिच लगाते जानी है तो इस तरह से देखो कि जब मैं ऐसे देखूंगी तो मेरी स्टिच तो दिखेगी ही नहीं पर पाइपिंग भी देखो हमारी एकदम नजदीक से है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका गेप थोड़ा सा ज्यादा है तो हम दूसरी बार भी ऐसे स्टिच लगा सकते हैं नजदीक से तो यहाँ तक हमने इस तरह से लॉक लगा के स्टिच को एंड कर दिया है ओके okay, मार्जिन भी हमारा इस तरह से अंदर की साइड चला जाएगा अब हमें क्या करना है कि जहां तक हमने मार्क किया था वहां पे हमें मार्जिन को कट कर देना है इस तरह से तो जो मार्जिन है अब हमारा यहाँ से बाहर आ जाएगा सेम दूसरी साइड भी यहां पे हमारा जो मार्जिन है उसको हम कट करेंगे तो यहां तक हमने कट कर दिया दोनों का मार्जिन हमारा इस तरह से बाहर की साइड आ जाएगा ओके okay, पर इसका जो मार्जिन है उसको हम थोड़ा सा क्रॉस कट करेंगे ताकि वो स्टिच में ना आए ऐसा तो दोनों साइड आपको थोड़ा सा क्रॉस क्रॉस ऐसा कट कर देना है डन अब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे अब देखो मार्जिन को हम बाहर की साइड ही निकालेंगे और आपको लेस को यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस करना होगा वो कैसे करना है अभी हम वो देखेंगे पहले हमने जहाँ तक जहाँ पे मार्क किया था ना वहाँ पे नीडल को ऐसे नीचे ही जाने देना है डन ऐसे नीचे जाने दिया अब यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस मार्जिन के साथ मिलाओ मार्जिन को और यहाँ पे एकदम नज़दीक से स्टिच लगाओ ऊपर की लेस जितनी भी एक्स्ट्रा होगी उसको हम कट कर देंगे सेम तरीके से दूसरी साइड अब इसको मैं ऊपर से लगाना स्टार्ट करूंगी नीचे से सिर्फ मुझे चेक कर लेना है डने से मैंने सेट किया परफेक्ट अब मैं यहाँ से स्टिच लगाऊंगी यहाँ पे हम लॉक लगा देंगे तो इस तरह से देखो कि हमारा इतना मार्जिन बाहर और बाकी का अंदर तो इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से कवर है जितनी भी लेस एक्स्ट्रा है उसको हम ऊपर से कट करेंगे थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखेंगे उसको हम बाद में कट कर देंगे अब इसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह से स्टिच लगा देना है तो जो भी हमारी सीधी अगर समझो कि आपका यहाँ पे कोई लेस में पैटर्न नहीं है तो आप सीधी सीधी स्टिच लगा सकते हो पर मेरा देखो यहाँ पे लेस में पैटर्न है तो मैं क्या करूंगी ऐसे राउंड राउंड में स्टिच लगा दूंगी मैं आपको थोड़े में ऐसे स्टिच लगा के दिखाती हूँ फिर बाकी की स्टिच अभी हम रेडी करेंगे इसमें देखो कि आपकी स्टीच ऐसे कोई हाईलाइट भी नहीं होगी और लेस भी एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा वो पॉइंट से उठा हुआ नहीं रहेगा अब मेन हमें वो देखना है कि यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है तो उसमें हमारी छोटी सी एक प्लिट्स आएगी तो उसको हम कैसे सेट करेंगे यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब देखो यहाँ पे हमारी लेस को ऐसे सेट करेंगे तो थोड़ी सी ऐसे प्लीट्स आ जाएगी तो वो हमारी जो लेस है उसमें एडजस्ट हो जाएगी थोड़ा सा लेस को लूज रखते जाना है और स्टिच लगाते जाना है तो इस तरह देखो कि हमने यहाँ तक स्टिच लगा दी है अब हमारे थोड़े से राउंड बाकी है तो वन साइड हम पूरा कंप्लीट कर देंगे और वही सेम तरीके से हमें दूसरी साइड वाला जो पार्ट है वो हम रेडी कर देंगे तो तो इतना जो राउंड बाकी है हम स्टिच लगा देंगे तो देखो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा फिनिशिंग एकदम परफेक्ट तरीके से आ चुका है नीचे आपकी स्टिच इस तरह से राउंड राउंड दिखेगी पर वो भी कवर हो जाएगा अस्तर से तो सेम तरीके से इतनी स्टिच और बाकी की स्टिच अभी हम लगा के रेडी रखते हैं तब तक हम वो देखेंगे कि अस्तर को हमें कब्स कहां पे लगाना है उसको कैसे सेट करना है अब देखो कि हमारा जो भी अस्तर अभी मैंने आपको बताया था कि अस्तर को हमने इस तरह से ज्वाइन किया फिर सेंटर से ज्वाइन कर दिया और जब भी हमने कटिंग किया था तब मैंने आपको बोला था कि हमारा जो एपेक्स पॉइंट है वहां पे आपको कट लगा देना है तो इस तरह से आप देखो कि एपेक्स पॉइंट आपका जो है जब आप अस्तर को कट कर रहे हो तभी आपको वहां पे कट लगा देना है तो हमने यहाँ पे पहले से एपेक्स पॉइंट पे कट लगा दिया है ओके ऐसे दोनों साइड फिर दोनों साइड का जो पार्ट है उसको आपको रीचेक भी करना है कि वो दोनों पार्ट परफेक्ट मिल रहे है वैसे आपको रीचेक कर देना है तो इससे आपका जो कप है वो ऊपर नीचे नहीं होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से हमारा जो दोनों साइड वाला पार्ट है ओके अब हम इसके बाद कप्स लगाएंगे तो कप हमें कौन सी साइज में यूज करना है उसका सिंपल तरीका वैसे देखो कि आप सबको अभी तक ए नॉलेज तो मैंने दिया ही है जैसे कि आपकी साइज समझो कि मेरी चेस्ट है थर्टी थ्री तो उससे टू साइज या फोर साइज हमें कप प्लस लेना है जैसे कि मेरी चेस्ट थर्टी थ्री तो उससे टू साइज प्लस यानी कितना होगा थर्टी फाइव पर थर्टी फाइव का कप नहीं मिलेगा तो हम थर्टी सिक्स की साइज यूज करते हैं पर फिर भी कहीं बार ऐसा होता है कि हम फोर साइज भी प्लस लेते हैं ना फिर भी हमारी जो कप की ये जो किनारी वाला पार्ट है राउंड वो बाहर दिख के आता है अगर वो ना दिखे तो हम कैसा मेजरमेंट लेगी वो परफेक्ट कवर हो तो उसके लिए आपका जो शोल्डर टू एपेक्स और जो लोअर चेस्ट है अगर ये दोनों पॉइंट को हम निकालेंगे जैसे कि मेरा शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट है नाइन पॉइंट सेवेंटी फाइव तो समझो कि मेरा नाइन पॉइंट और लोअर चेस्ट मेरा कितना आ रहा था 13 इंच तो दोनों के बीच में जितना डिफरेंट है अगर वो गैप अगर हम कप में देख ले तो हमारा परफेक्ट बैठ जाएगा कप तो 9.75 और 13 इंच के बीच में कितना गैप आएगा 3.25 तो अब हम चेक करेंगे कि कप में वो 3.25 कहाँ पे होना चाहिए ओके तो इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे कप्स लिए हैं उसको हमने इस तरह से फोल्ड किया ऐसे हमने कप को हाफ फोल्ड किया जहां पे भी हमने हाफ फोल्ड किया वहां सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे तो इस तरह से हमने सेंटर पे एक मार्क कर दिया इसका भी हमें सेंटर लेना है और यहाँ पे भी हम एक मार्क करेंगे तो यहाँ पे देखो कि आपको इस तरह से प्लस का मार्किंग मिलेगा अब इसके बाद यहाँ पे हमें थ्री पॉइंट ट्वेंटी फाइव इतना मिलना चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे मुझे देखो कितना मिल रहा है थ्री पॉइंट ट्वेंटी थोड़ा सा ही कम एक लाइन से भी कम तो मतलब एक कप मेरे साइज के हिसाब से बराबर बैठेगा और ये कप की साइज कौन सी है थर्टी एट ओके मतलब अगर मैं समझो थर्टी सिक्स का ले रहे हो तो यहाँ पे गेप थ्री इंच ही आ रहा है तो वो तो मेरे में मतलब जो राउंड की किनारी वो दिख के आएगी क्योंकि वो मेरी साइज के हिसाब से बराबर नहीं है कहीं बार किसी की चेस्ट ब्रोड होती है किसी की कम होती है तो इसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं ओके okay? तो आपको वो क्लियर वो देखने की जरूरत नहीं कि टू साइज भी प्लस लो फोर साइज भी प्लस लो कई बार आप सिक्स भी प्लस जा सकते हो पर एक गेप अगर देखो कि आपका परफेक्ट कवर हो गया यानी कप है वो परफेक्ट चेस्ट में परफेक्ट बैठ जाएगा जैसे कि हमारी चेस्ट है अगर कप प्रॉपर बैठ जाएगा तो राउंड किनारी नहीं दिखेगी अगर वो कप उठा हुआ रहेगा तो आपका चेस्ट बाहर भी दिखेगा मतलब ऐसा दिखेगा ज्यादा है और राउंड वाला पार्ट है वो भी बाहर दिख के आएगा तो अभी हमने ये तो देख लिया कि कौन सी साइज में कौन सा कप यूज करना है अब हम वो देखेंगे कि जो हमने कप का मार्क किया है तो उसको हम अस्तर के साथ कैसे अटैच करेंगे क्योंकि तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कप हमारे उल्टे अटैच हो जाते हैं फिर हमें सिलाई ओपन करनी पड़ती है तो इसका एकदम सिंपल मेथड है जैसे कि देखो कि ये हमारे कप है तो कप को हम ऐसे ही रखेंगे जो हमने मार्क कर दिए है और इसके बाद हमारा जो अस्तर है तो उसमें भी हमारा जो अपेक्स पॉइंट है वहां पे भी हमने मार्क कर दिए है सिर्फ आपको ये दोनों मार्किंग को मिलाना है जैसे यहाँ पे प्लस वाला मार्किंग तो यहाँ पे भी प्लस वाला मार्किंग है एक ऐसे लाइन और एक ऐसे लाइन दोनों मार्किंग को मिलाएंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे ओके तो ऐसे सेम दोनों में मिलाते जाएंगे और स्टिच लगा देंगे तो यहां पे मैं इस तरह से दोनों प्लस वाले मार्किंग को मिलाऊंगी और यहां पे हम स्टिच लगा देंगे तो इस तरह से मैं दोनों इस तरह से मैंने यहां पे दोनों प्लस वाले मार्किंग को मिलाया यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे उसके बाद सबसे हमारा जो कप में नीचे वाला मार्किंग है वो मार्किंग को और स्टिच को दोनों को मिलाते जाएंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे डन और ऐसे ही सेम तरीके से हमारा जो दूसरा कप है तो उसको भी हम सेम तरीके से स्टिच लगा देंगे ए वाले कप को भी हमने ऐसे रखा इसका जो भी मार्जिन है उसको डायरेक्ट इसके ऊपर रखना है दोनों मार्किंग को मिलाना है और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे दें तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है। तो यहां पे देखो कि पीछे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने कहीं पे कप भी लगाया देखो इसकी बिल्कुल भी स्पीच नहीं दिखेगी कुछ हाईलाइट भी नहीं होगा अब हमें यहाँ पे नेक को कैसे कवर करना है वो देखेंगे तो ये समझो कि मेरा अस्तर राइट है तो इसके ऊपर मैं राइट पार्ट रखूंगी अभी देखो कि हमारी जो भी स्टिच बाकी थी वो स्टिच हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोनों को हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे ए भी राइट, ए भी भी राइट राइट तो पहले हम नेक को पलटी करेंगे यहाँ पे हमें दोनों अस्तर को इस तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को हम मैच करेंगे और जो भी हमारी स्टिच है ना पाइपिंग वाली वो स्टिच आपको पीछे से दिखेगी तो वही स्टिच के ऊपर आपको स्टिच लगाना है और यहाँ पे भी जो मार्जिन है अस्तर में उसको भी हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें इसको परफेक्ट मिला देना है उसको मिलाते जाएंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे अब हम यहाँ पे जो भी सेंटर है अस्तर का सेंटर और मेन सेंटर दोनों को हमें मैच करना है देन वो मेरा परफेक्ट तरीके से मैच हो गया है अब ऐसे में जैसे स्टिच लगा रही हूँ वैसे मैं स्टिच लगाऊंगी यहाँ पे मैं लॉक भी लगा दूंगी देन अब यहाँ से मैं टर्न करूंगी स्टिच को और ए वाली साइड भी हम सेम तरीके से स्टिच लगाएंगे यहां पे भी हमें लॉक लगा देना है ताकि जब हम कट लगाएंगे तो वहां से स्टिच ओपन नहीं होगी वरना ओपन हो जाएगी तो इस तरह से हमने यहां पे स्टिच लगा दिया है देखो यहाँ पे आपको अस्तर में दिखेगा आपका प्रॉपर स्टिच अब हमें यहाँ पे कट लगा देना है ऐसे लास्ट तक आपको कट लगाना है स्टिच कट नहीं होनी चाहिए देन। अब इसके बाद हम नीचे की जो वेस्ट है तो वहां पे स्टिच लगाएंगे तो यहाँ पे हमें अस्तर को एक लाइन जितना बाहर रखना है सेम जैसे हमने बैक में रखा था और हम यहाँ पे हाफ इंच के गेप पे स्टिच लगा देंगे तो इस तरह से देखो कि हम यहाँ पे प्रॉपर एक एक लाइन जितना गेप रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगाते जाएंगे कहीं बार ऐसा होता है कि हमारा बढ़ जाते। तो उसमें आप अंदर छोटी सी पिच ले सकते हो पर जो दोनों लाइन है वो हमारी प्रॉपर मिलनी चाहिए इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है और देखो सेंटर लेस भी जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे और उसके बाद यहां सेंटर पे भी एक कट लगा देना है और दो कट हम यहां पे ऐसे लगा देंगे अब हम यहाँ नीचे की साइड धा स्टिच लगा देंगे तो जो भी मार्जिन है उसको हमें अस्तर वाली साइड जाने देना है तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है अब नेक में हम डायरेक्ट प्रेस लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें पाइपिंग है तो इसमें हमें धार स्टिच लगाने की जरूरत नहीं है इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे अस्तर को पलटी कर दिया है तो आप यहाँ पे पीछे वाला पार्ट देख सकते हो कि हमारा ऊपर नीचे वो सब कुछ कवर है सिर्फ हमें यहाँ पे प्रेस लगा देना है तो पहले हम जो भी वेस्ट वाला पार्ट है वहां पे प्रेस लगाएंगे पे भी अस्तर को नीचे ही जाने देना है और हमें यहाँ पे प्रेस लगा देनी है तो इस तरह देखो नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा परफेक्ट तरीके से रेडी है अब हम सेम तरीके से नेक में भी प्रेस लगाएंगे तो अस्तर को पूरा पीछे की साइड जाने दो यहाँ पे प्रेस लगा दो सेम तरीके से जो नेक है दूसरी साइड तो वहां पे भी हम प्रेस लगाएंगे इसमें पीछे की साइड लगाएंगे ओके okay, सेम दूसरी साइड भी डन तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पीछे से हमारा जो नेक है वो एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी है सिर्फ यहाँ पे हमारा जो कट है तो वहां पे हमें सिर्फ ऐसे एक हाथ स्टिच लगा देनी है ओके तो स्टिच कैसे लगानी है वो भी हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नेक प्रॉपर फिनिशिंग के साथ रेडी होगा एक मेरी स्टिच थोड़ी सी आगे है तो उसको मैं कट कर रही हूँ तो अस्तर हमारा पीछे की साइड चला जाएगा डन अब देखो पॉइंट में मैं इस तरह से प्रेस लगा दूंगी दोनों को एकदम परफेक्ट स्ट्रेट रखना है तो इस तरह से यहाँ पे हमारा परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है अब हम आगे से भी देखेंगे डन तो यहाँ पे देखो कि हमारा पाइपिंग एकदम लगा है कहीं पे हमारी स्टिच भी नहीं दिख रही और पाइपिंग भी हमारा एकदम परफेक्ट नजदीक लग रहा है और यहाँ पे मैंने पाइपिंग सेम कलर से लगाया है अगर आपको पाइपिंग को हाईलाइट करना है तो आप पाइपिंग को यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकते हो ओके कोई अलग कलर का भी पाइपिंग लगा सकते हो तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नेक में प्रेस लगा दिया है अब हम यहाँ पे बाकी की साइड पॉइंट ट्वेंटी फाइव पॉइंट ट्वेंटी फाइव के हम स्टिच लगा देंगे और पूरे फ्रंट वाले पार्ट को पैक करेंगे ओके ऐसे सब जगह पे हमें प्रेस लगा देना तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा कोई भी पॉइंट नहीं बना है एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा सेट हो चुका है देखो दोनों साइड ओके आपको ये नेक का फिनिशिंग कैसा लगा पाइपिंग विद लेस वाला आप हमें कमेंट करके बता सकते हो और अब पीछे की साइड भी देख सकते हो कि हमारा पूरा कवर है ओके तो हम फटाफट से वन साइड स्टिच लगा देते हैं और वैसे हम दूसरी साइड की जो वन साइड है उसमें हम स्टिच रेडी रखेंगे तो अब हम यहाँ पे अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को हमें मिलाते जाना है और हमें यहाँ पे स्टिच लगाते जानी है अब यहाँ पे ऊपर देखो कि आपको ऐसे जो शोल्डर वाला पार्ट है उसको ऐसे प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना है फिर स्टिच लगानी है असर थोड़ा सा भी बाहर आ रहा है तो उसको आने दो तो हमारी स्टिच लग चुकी है ऊपर से हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे तो इसमें जो भी क्रीज है वो सारी क्रीज चली जाएगी सेम तरीके से फ्रंट का शोल्डर उसको पैक करने क्योंकि बैक साइड वाला जो शोल्डर है वहां से हम पलटी कर देंगे तो इससे हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी है जैसे हमने प्रेस लगाया वैसे से हम हम यहाँ ऊपर से और एक बार प्रेस लगा देंगे अब देखो कि यहाँ पे हमारे जो अब देखो कि हमारा फ्रंट बैक पार्ट वैसे पूरा रेडी हो चुका है सिर्फ हमें साइड में वाला पार्ट है वो कैसे बनाना है उसको कैसे अटैच करना है और आरमोल कैसे कवर करना है शोल्डर कैसे ज्वाइन करना है वही हमें देखना है ओके तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे पार्ट को पलटी कर दिया है मैं आपको क्लियर करूंगी कि उसको कितना कट करना है और कैसे करना है तो जो भी हमारा ब्लाउज का फर्मा है तो उसमें हमने पहले से वो साइड में मार्क किया होगा उसको हम एक बार देखेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो भी हमने बैक साइड वाला पार्ट लिया था, तो तो था तो तो ये हमारा मार्जिन और जब देखना है एट सेवन पॉइंट सेवेंटी फाइव तो ये तो आप तो आपकी जितनी लेंथ है उसमें से हाफ हफ इंच में चला जाएगा तो वो तो इसमें भी हमारा स्टिच का जाने ही वाला है ओके तो

तो ऐसे हमने टोटल एट इंच आपको कट करना है और ऐसे हम कितना कट करेंगे तो यहाँ पे आपने देखो कि कितना रखा है ऐसे वन इंच तो वन इंच यहाँ का वन इंच दूसरी साइड फ्रंट का तो टोटल हमें यहाँ पे लास्टिक दिखाना है टू इंच और उसमें भी दोनों साइड स्टिच में जाएगा हाफ ऑफ इंच तो पहले तो हमें टू इंच दिखाना है तो जितना भी हमें लेना है यहाँ पे फेब्रिक है उसका तीन गुना एड करेंगे जैसे कि टू प्लस टू प्लस टू कितना होगा सिक्स इंच और दोनों साइड हाफ ऑफ इंच स्टिच यानी सेवन इंच और उसका डबल कर देना है 14 इंच तो एक साथ में करेंगे तो हमारा दोनों साइड का जो लास्टिक वाला पार्ट है दो पार्ट अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं रहेगी ओके जितना है उसका तीन गुना और स्टिच का एड और उसका भी डबल क्योंकि दोनों साइड हमारे लास्टिक वाले पार्ट अटैच हो गए तो ऐसे हमें फोर्टीन इंच कट कर देना है अब दोनों को आपको राइट के ऊपर राइट रखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगानी है क्योंकि हाँ लगा लास्टिक तो आपका अस्तर के साथ ही अटैच होगा इसमें आपको फ्यूजिंग वाला फेब्रिक नहीं रखना है देखो मेरा मेन फेब्रिक और सिर्फ क्रेप अस्तर है अब इतना रेडी होने के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट ट्वेंटी फाइव के गेपे स्टीच लगा देनी है अब हम उसको नजदीक से देखें जब हम स्टिच करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से हमने देखो कि के गैप पे स्टिच स्टिच लगा दी है ओके ऐसी हमें दोनों साइड लगा देनी है तो दूसरी साइड अभी हम स्टिच लगा के रेडी करेंगे फिर आपको यहाँ पे जितना गैप चाहिए जैसे कि हम जो भी इलास्टिक वाला हमारा पार्ट है तो इसमें देखो कि हमने ऐसे पार्ट पूरा रेडी भी रखा है तो आपको जितना गैप रखना है उतना आपको यहाँ पे मार्क कर देना है जैसे कि हम यहाँ पे पॉइंट ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव में मार्क भी कर सकते हो और समझो कि यहाँ पे हमारा प्रेशर फुट भी पॉइंट गेप ट्वेंटी गेप का ही होता है तो जब आपको पॉइंट ट्वेंटी का गेप रखना है तो आपको मार्क करने की जरूरत नहीं रहेगी डायरेक्ट हम प्रेशर फुट को ध्यान में रखेंगे और स्टीच लगाते जाएंगे तो मैं यहाँ पे सिर्फ दूसरी जो नीचे की स्टीच है वो मैं लगा दूंगी और डायरेक्ट हम यहाँ पे लास्टिक वाली स्टीच लगाएंगे तो ए वाला पार्ट कैसे रेडी करना है अभी हम उसमें देखेंगे तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे बोबिन लेना है और देखो कि यहाँ पे हमें बोबिन के अंदर वाला जो लास्टिक आता है तो वो हमें लेना है एकदम पतला ओके एक लाइन okay, से भी हमारा पतला लास्टिक होता है तो उसको इस तरह से आपको बोबिन में राउंड राउंड टक करना है और जब भी हम इसको राउंड ऐसे यहाँ पे लगाएंगे लास्टिक को तो तब आपको थोड़ा सा खींचना है मतलब जो ये मेरा रेगुलर है उसे हम थोड़ा सा खींचेंगे और उसको हमें यहाँ पे जैसे हम थ्रेड लगाते हैं वैसे लास्टिक लगा देना है और थोड़ा सा खींचना है इसको थोड़ा सा हाफ इंच जितना डन अब इस तरह से लास्टिक को लगाने के बाद लास्टिक को हम यहाँ से कट कर देंगे और जो भी हमारा बोबिन कैसे तो बोबिन के इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है है वो जो रेगुलर हम वैसा भी रख सकते हैं और समझो कि अगर आपका रेगुलर टाइट है तो आप यहाँ साइड में से जो भी यहाँ पे बोल होता है यानी नट होता है उसको आप थोड़ा सा लूज कर सकते हैं तो एक गेप आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा ओके अब यहाँ पे हमारा जो भी गेप है वहां से हम लास्टिक को ऐसे अंदर जाने देंगे यहाँ से इस तरह से हमें जैसे हम थ्रेड लगाते हैं वैसे हमें लास्टिक को लगाना है ओके लास्टिक यहाँ पे हमारा टू इंच जितना ही एक्स्ट्रा होना चाहिए ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए अब हम जैसे बोबिन केस लगाते हैं तो वैसे ही हम मशीन में यहाँ पे जो भी मेरा बोबिन केस है रेगुलर में फिट कर दूंगी इतना क्लियर है सबको बोबिन केस कैसे लगाना है लास्टिक कैसे लगाना है बोबिन में तो इतना हम लगा देंगे अब स्टिच कैसे लगाना है अभी हम वो देखेंगे अब देखो कि यहाँ पे हमने इस तरह से जो स्टिच लगाई तो वो दोनों साइड हमने देखो कि इस तरह से पॉइंट ट्वेंटी फाइव पॉइंट ट्वेंटी फाइव की स्टिच लगा दी है अब यहाँ पे हमने नीचे जो बोबिन कैस है वो लगा दिया है फिट कर दिया है अब जो भी मेरी स्टिच है वहां से पॉइंट ट्वेंटी फाइव का हम गेप रखेंगे तो पहली स्टिच तो हमारी जो स्टिच है वहां पे हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा इलास्टिक आएगा आपको सिर्फ ऐसे ही स्पीच लगानी है तो इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे कितनी स्टिच लगाई है छह स्टिच तो लगा दी है और एक स्टिच में लगा दूंगी तो रेगुलर हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे और जब भी स्टिच लगा लगा रहे तो प्रेशर फुट वाली जो लाइन है तो उसको मैं दूसरी स्टिच के साथ मिलाते जाना है आगे नॉर्मली खींचते जाना है और रेगुलर तरीके से हम स्टिच लगाते जाएंगे देन। तो इस तरह से देखो कि मैंने इतनी स्टिच लगा दी तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारा देखो कि पार्ट थोड़ा सा बड़ा भी होगा ओके साइज के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा और पीछे की साइड भी आप देख सकते हो कि परफेक्ट हमारा पॉइंट ट्वेंटी फाइव पॉइंट ट्वेंटी फाइव का ही गैप है ओके ऐसा पूरा पार्ट रेडी करने पर यहाँ पे आपको प्रेस भी लगा देनी है और यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट उठा हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे छोटा सा लास्टिक हमारा जो एकदम पतला लास्टिक है उसको आपको यहाँ पे अंदर की साइड फिट कर देना है तो देखो कि एकदम पतला हमने पॉइंट ट्वेंटी फाइव वाला लास्टिक लिया है निडल को यहाँ पे ऐसे नॉट कर दिया है निडल में से और पीछे की साइड से हमें निडल को इसमें अंदर जाने देना है तो ऐसे में लास्टिक को अंदर लगाने अभी हम देखेंगे कि लास्टिक को कैसे लगाना है ओके okay, अभी देखो कि यहाँ पे सेम जो भी लास्टिक है उसको हम यहाँ पे अंदर की साइड जाने देंगे ओके okay, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमारा जो गेप है वो बहुत कम है पॉइंट ट्वेंटी फाइव जितना ही है और उसमें हमें छोटा सा लास्टिक अंदर की साइड जाने देना है Okay, तो इस तरह से देखो कि हमने लास्टिक को पूरा अंदर की साइड जाने दिया है अब हम निडल को इस तरह से बाहर निकालेंगे अब यहाँ पे हमें लास्टिक है उसको कट कर देना है थोड़ा सा लास्टिक हम पहले ज्यादा ही रख, रखेंगे ओके okay, ऐसा देखो कि मैंने यहाँ पे आपको ये वाली साइड बताई पर ऐसे आपको दोनों साइड लास्टिक लगा देना है पर ये पूरी स्टिच लगाने के बाद ही लगाना है यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया था कि वो पूरा स्ट्रेट हो जाए ओके अब हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे तो ऐसे देखो कि मैं यहाँ पे ऐसे ही प्रेस लगा रही हूँ आपका तो देखो पूरा पार्ट जब रेडी होगा यहाँ पे भी लास्टिक लगा लग जाएगा तो ये जो ऐसे दूर दूर रहे, रहे ना, वो दूर दूर नहीं रहेगा देखो ऐसे हमने यहाँ पे भी लास्टिक लगा दिया है तो ऐसे फिनिशिंग के साथ आपका पार्ट रेडी होगा तो इसी तरह से देखो कि ये मेरा जितना खींच रहा है तो सेम पार्ट हमारा यहाँ पे भी रेडी हुआ है ओके तो इसी तरह से आपको पूरा पार्ट रेडी कर देना है अब पूरा पार्ट देखो कि मैंने इस तरह से यहाँ पे रेडी कर दिया है अब इसकी आगे की प्रोसेस क्या है अभी हम वो देखेंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया पूरे में अब प्रेस लगाने के बाद आपका जितना गेप है ना उससे लास्टिक को हमें कम ही कट करना है जैसे कि हमने यहाँ पे साइड में गैप रखा था टू इंच पर जितना गैप है उससे हमें दोनों साइड कम कम यानी हाँ इंच कम, तो मुझे यहाँ पे लास्टिक वन एंड हाँ इंच ही रेडी दिखाना है और बाकी का हमारा दोनों साइड स्टिच में चला जाएगा तो यहाँ पे देखो मेरा कितना रेडी है टू एंड हाफ इंच टू एंड हाफ इंच टू एंड हाफ इंच क्लियर और अब हमें ऐसे ही सेम आपको भी ऐसे कट कर देना है उसको पूरा स्ट्रेट हमारा सेंटर से कट हो जाएगा और सेंटर पे कट करने से पहले हमें स्टिच लगानी होगी तो मैं पहले यहाँ पे मार्क करूंगी तो और हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से हमने जो भी सेंटर लिया है सेंटर पे हम मार्क करेंगे अब यहाँ पे हमें कट करना है पर उससे पहले मैं दोनों साइड स्टिच लगा दूंगी फिर इसको मैं फोल्ड करूंगी और मैं कट कर दूंगी ओके तो यहाँ पे हमारा जो लास्टिक है वो ओपन नहीं हो जाएगा वरना ओपन हो जाएगा अब जब भी जो भी मैंने मार्क किया है वहां पे मैं इस तरह से स्टिच लगा दूंगी ऐसे स्टिच लगाने के बाद मुझे इसका सेंटर ही लेना है तो इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम कट कर देंगे अब इस तरह से हमारा जो पार्ट है वो कट हो चुका है अब हमें इसको कैसे लगाना है अभी हम वो देखेंगे अब देखो हमारा जो भी फ्रंट वाला पार्ट है तो उसमें हमें ये वाले पार्ट को अटैच करना है तो यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे हाफ इंच के गैप पे इसको हम अंदर की साइड पलटी भी कर सकते हैं पर उसका उतना लुक नहीं आएगा तो यहाँ पे मैं इस तरह से हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाऊंगी देन यहाँ पे देखो आर मोल में भी आपका हाफ इंच जितना गेप बचेगा देन सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी स्टिच लगा देंगे तो समझो कि ये मेरा दूसरी साइड का बैक वाला पार्ट है तो उसमें भी हम यहाँ पे लास्टिक को रखेंगे और यहाँ पे हम ऐसे हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे और देखो कि अगर आपको ये वाला ब्लाउज पलटी करना है तो हम पलटी भी कर सकते हैं वैसे हम क्लास में सीखते हैं कि स्लीवलेस वाले ब्लाउज को पूरा कैसे कवर करना है तो वो सेम तरीके से आप यहाँ पे कवर भी कर सकते हो पर मैंने देखो ऐसे ऊपर से स्टिच लगाई पर ये वाला मार्जिन हमारा ऐसे नहीं दिखेगा यहाँ पे आप इंटरलॉक भी कर सकते हो और बाकी आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो कैनवास वाली पट्टी है उससे आप यहाँ पे कवर कर दो तो वैसे में कैनवास वाली पट्टी यहां पे रखूंगी नीचे की साइड और जो हमने स्टिच लगाई है उसी के ऊपर मैं वापिस स्टिच लगा दूंगी तो ऐसे हमने यहां पे स्टिच लगा दिया है हम यहाँ पे धार स्टिच भी लगा देंगे डन तो अब कि यहाँ पे हमारा जो भी मार्जिन है ये पूरा इस तरह से पीछे की साइड चला जाएगा ये वाली पट्टी को इस तरह से ऐसे कवर कर देना है अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे बड़ी स्टिच लगा रही हूँ पर यहाँ पे हम हाथ स्टिच करेंगे

तो आपकी साइज वन इंच वन एंड हाफ इंच जितनी भी बड़ी हो रही है तो मार्जिन की तो कोई जरूरत ही नहीं है देन अब देखो कि यहाँ पे हमें शोल्डर कैसे ज्वाइन करना है हम वो देखेंगे तो शोल्डर को हम यहाँ पे पलटी करने वाले हैं तो यहाँ पे हम शोल्डर को पलटी भी कर सकते हैं पर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे स्टिच लगा रही हूँ तो दोनों शोल्डर को मैं मिलाऊंगी हाफ इंच के गैप पे हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे अब इस सीच लगाने के बाद सिर्फ हमारा देखो आर्मोल है उसको कवर करना बाकी है तो आर्मोल को हम कैसे कवर करेंगे अभी हम वो देखेंगे ओके अब देखो कि यहाँ पे जब भी हम सोल्डर जॉइंट करते हैं तो थोड़ा सा हमारा आगे पीछे होता है अब देखो कि यहाँ पे शोल्डर मेरा एक लाइन जितना आगे पीछे तो उसको मैं यहाँ पे कट कर दूंगी और आगे तक इस आगे तक हम इसको मिला देंगे डन और यहाँ पे जब हम होल को कवर करेंगे तो इस तरह से हमारा होल रेडी होगा हाफ इंच जितना बाहर तो वो तो यहाँ से हमारा होल में कवर हो जाएगा तो यहाँ पे भी देखो हमारा परफेक्ट फिनिशिंग रेडी होगा ओके okay, तो होल वाली पट्टी को कैसे कवर करना है अभी हम वो देखेंगे अब आर्मोल वाली पट्टी है उसको आप कैनवास से भी कवर कर सकते हो और बायस पट्टी से भी कवर कर सकते हो तो मैं यहाँ पे आपको कैनवास वाला बता रही हूँ तो समझो मैंने यहाँ पे नीचे कैनवास लिया है अभी जो हमने फर्मा कट किया है तो वही फर्मे के ऊपर से हम इसको कट कर सकते हैं तो यहाँ पे जो मेरा शोल्डर है वो तो मेरा हाफ ऑफ इंच ऐसे स्टिच में चला जाएगा तो दोनों को मैं ऐसे परफेक्ट मिलाऊंगी और इसका जो भी सेप आ रहा है वही सेप को हम यहां पे ड्रॉ कर देंगे और वो देखो वैसे तो यहां तक ही है पर फिर भी हम उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखेंगे सेम। ओके फ्रंट वाली साइड भी वैसे ही सेम एक्स्ट्रा रख देना है अब इसके बाद यहां पे हमें वन वन इंच कितना रखना है 1.25 भी हम रख सकते हैं ओके 1.25 1 इंच 1 एंड हाफ इंच तो मैं यहाँ पे 1.25 1.25 रखूंगी इसको मार्क करेंगे फिर हम कैनवास को कट कर देंगे अब मैं सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम सेप ड्रॉ कर देंगे और अभी हमारा जो भी यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है सेप उसको हमें कट कर देना है डन और यहाँ पे आपको वो भी लिख देना है कि आपका फ्रंट है दोनों साइड और ये आपका बैक है देन और इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका अस्तर है उसके ऊपर ये वाले पार्ट को चिपका देना है तो इस तरह से हमारा जो कैनवास है तो उसको हमने अस्तर पे चिपका दिया है बाहर वाली जो साइड है वहां पे हम इस तरह से एक्स्ट्रा रखेंगे और हमें कट कर देना है और अंदर वाली साइड हमें कट टू कट ही रखना है और हम यहाँ पे कट करेंगे अब यहाँ पे हम बाहर की साइड स्टीच लगा देंगे और फिर यही एक पार्ट है आर्मोल वाला उसको कैसे कवर करना अभी हम वो देखेंगे ओके फिर हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो जाएगा तो अब जो भी यहाँ पे हमारा मार्जिन मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको हम फोल्ड करेंगे और हम यहाँ पे 0 .25, 0 .25 के गेप पे स्टीच लगा देंगे देन तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे पूरे में पॉइंट ट्वेंटी फाइव पे स्टिच लगा दिया है अब जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है पहले ज्यादा ही फैब्रिक रखना है तो आपको कट करने में इजी रहेगा अब इसके बाद हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो फ्रंट में बैक वाला पार्ट बैक में और उसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे ओके okay, अब देखो कि यहाँ पे हमने ऐसे फिनिशिंग दे दिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा फिनिशिंग इस तरह से परफेक्ट आ जाएगा ओके दोनों साइड मेरा यहाँ पे कवर हो चुका है यहाँ पे हम खींचेंगे तो इस तरह से देखो कि साइज के हिसाब से हमारा एडजस्ट भी हो जाएगा और यहाँ पे आप पीछे की साइड भी देख सकते हो कि दोनों साइड हमारा इस तरह से कवर है और यहाँ पे वाला जो कैनवास है तो हमारा इस तरह से वो जितना आर्मोल के साथ जैसे सेट हो रहा है वैसे ही सेट होने देना है और यहाँ पे हमें स्टिच लगा देनी है और इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आर्मोल कवर करो फिर शोल्डर को लास्ट में ज्वाइन करो यहाँ पे ऐसे कवर करके वो भी पॉसिबल है ओके और अभी हम यहाँ पे एक साथ में कवर कर रहे हैं तो मैं पहले यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी सेम तरीके से यहाँ पे जो दूसरी साइड वाला पार्ट है तो वहां पे भी हम स्टिच लगा देंगे अब देखो कि यहाँ पे जो मेरी पट्टी है वो दूसरी साइड की बन गई है पर देखो अब तो आप सबको पता है कि उसको कैसे रेडी करना है मैं यहां पे आपको ऐसे दिखा रही हूं यहां पे देखो वो प्रॉपर मैच हो जाएगा ऐसे कैनवास आपका ऊपर की साइड आएगा दूसरी साइड वाली पट्टी तो यहाँ पे हमें के पे लगाना है। okay, के पे लगाएंगे, लगाएंगे, धार स्टिच लगाया, लगाया और वाला जो पार्ट है वो पूरा हमारा अंदर की साइड चला जाएगा और अंदर की साइड जब चला जाएगा तो यहाँ पे हम हाथ स्टिच ऐसा ले सकते हैं और यहाँ पे जो पार्ट है तो उसको भी कैसे कवर करना है जैसे मैंने यहाँ पे कवर किया ना ऐसे नीचे तो वैसे ही सेम हम हम यहाँ पे कवर करेंगे जो भी मार्जिन है वो आपका अंदर की साइड चला जाएगा ओके तो इस तरह से हमारा जो आर्मोल वाला फिनिशिंग है वो हम दे देंगे और जो भी दूसरी साइड वाला पार्ट है तो देखो हमारा इतना ही रेडी करना बाकी है तो वो हम रेडी करेंगे उसमें हमारा पांच से दस मिनट लगेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे देखो कि इस तरह से जो भी हमारा ब्लाउज है पूरा तो इस तरह से रेडी है सिर्फ हमारा शोल्डर ज्वाइंट रेडी हुँ क्लीप आई देखो, कुछ अलग वाला क्लीप और छोटे छोटे गेप में ताकि जब मैं उसको पहनूंगी तो यहाँ पे मेरा बीच में गेप भी नहीं रहेगा ओके तो ये सब कुछ कैसे करना है उसको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ वो हम सब कुछ लाइव क्लास में सीखने वाले है ओके उसको तो पूरा डिटेल में तो ए वाला ब्लाउज मुझे पूरा कंप्लीट करने में दस मिनट लगेगा तो उसको हम प्रॉपर फिनिशिंग देंगे और इसके बाद हम यही ब्लाउज को ट्राई करेंगे इसका फिटिंग कैसा आ रहे, इसका फिटिंग कैसा आने वाला है ओके okay, अभी देखो कि हमारा ब्लाउज में दस मिनट लगेगा तब तक हम और कुछ डिटेल देखेंगे जैसे कि यहाँ पे आप वैसे आप सब लोगों ने मेरी आईडी देखी होगी इंस्टाग्राम आईडी राजा रानी कोचिंग तो जिसमें हम जो भी ब्लाउज पहनते हैं जो भी गारमेंट पहनते हैं वो सारे गारमेंट हेवी होते हैं बहुत ही कम क्रीज आती है शायद कहीं बार एक दो क्रीज आएगी बाकी कोई भी आउटफिट में हमारी क्रीज नहीं होती है परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारा आउटफिट रेडी होता है तो उसका मेन रीजन ये है कि हम सारे फेब्रिक में फ्यूजिंग करते हैं

ड्रेस uh, परचेस करते उसमें तो आपको पता ही होगा या फिर ऐसा साड़ी में भी होता है जिसमें वो वर्क वाली बॉर्डर होती है पीछे की साइड पेपर कैनवास होता है जिसको हम वॉश करके निकालते हैं या फिर ऐसे हाथ से निकालते हैं तो वो पेपर फ्यूजिंग ही है ओके वो इसलिए लगाते हैं ताकि जब भी हमारा वर्क होता है तो फैब्रिक फैब्रिक कहीं बार क्या होता है कि उसकी जो थ्रेड है ना वो निकल जाते हैं मतलब जब हम ऐसे वर्क करते हैं तो थ्रेड उसका खींच जाता है फैब्रिक का उसका फिनिशिंग नहीं आता है पर अगर समझो कि वो कैनवास लगा देंगे फिर उसमें वर्क करेंगे तो प्रॉपर होगा वो वर्क भी इजीली हो जाएगा और फिनिशिंग भी परफेक्ट आएगा तो सेम अगर हमें कोई गारमेंट स्टिच करना है तो हम पेपर फ्यूजिंग यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम पेपर फ्यूजिंग का यूज कहाँ पे करते हैं नेक में जैसे अभी हमने किया मतलब हम नेक में भी कर सकते है आर्मोल कवर में कर सकते हैं साइड में अभी हमने जो लास्टिक लगाया उसको भी हमने कवर करने में किया तो वो सब जगह पे हम पेपर कैनवास यूज कर सकते हैं पर जब मुझे फैब्रिक को प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग देना है तो तब मुझे फ्यूजिंग यूज करना होगा फ्यूजिंग क्या है और पेपर कैनवास यानी पेपर फ्यूजिंग और जो मैं रेगुलर अभी फ्यूजिंग की बात कर रही हूँ तो दोनों में क्या डिफरेंट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ये जो रेगुलर फ्यूजिंग है तो इसकी क्वालिटी फैब्रिक जैसी होती है जैसे कि पेपर कैनवास से वो हमारा कैसा होता है कड़क समझो कि इसको हम ऐसे करेंगे तो वो हमारा पेपर जैसा लुक होगा मतलब ए हमारा पेपर फ्यूजिंग है जो भी हमने यूज किया और पहले से भी खराब हो जाएगा। पर अगर हम ए वाला फ्यूजिंग लेंगे तो क्या होगा कि इसको तो वॉश करे कुछ भी करे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और फ्यूजिंग अगर आप एक मीटर है तो घर पे भी कर सकते हो स्ट्रीम वाली प्रेस से वरना फ्यूजिंग बाहर भी करवा सकते हो फ्यूजिंग कहाँ पे होता है तो जहाँ पे भी वो रोल पॉलिस होता है तो वहां पे फ्यूजिंग इजीली हो जाएगा शायद वो लोग फ्यूजिंग रखते ही है सिर्फ आपको आपका फैब्रिक देना है और इसमें भी कलर होते हैं ब्लैक व्हाइट रेड वो रेगुलर कलर है और बाकी भी कलर है पर अगर आपका ज्यादा फेब्रिक है तो वो कलर वाला फ्यूजिंग करके देंगे वरना तो हमें रेगुलर ब्लैक या वाइट ही यूज करना होता है और फ्यूजिंग में देखो कि वन साइड ऐसे डॉट डॉट वाले पार्ट होते हैं जैसे हमारे पेपर कैनवास में होते हैं तो दोनों फैब्रिक को ऐसे रख के हम चिपका देंगे तो इसकी जो फैब्रिक की स्टिफनेस है वो बढ़ जाएगी और उसमें हमें जो छोटी छोटी क्रीज भी आती है ना आर्मोल वाली वगैरह की तो वो तो इसमें चली जाएगी और अब इसका लुक पूरा डिफरेंट हो जाएगा आप सबको क्लियर हुआ कि फ्यूजिंग क्या है फ्यूजिंग को क्यों यूज करना है और फ्यूजिंग लगाने से हमारा जो गारमेंट है उसका लुक एकदम मस्त दिखेगा और वैसे अभी भी देखो कि हमारे पास पांच मिनट है अभी हमारा वो ब्लाउज रेडी हो रहा है तब तक मैं आपको हमारे जो भी वेस्टर्न क्लास के आउटफिट है वो दिखाती हूँ क्योंकि शायद कोई आउटफिट ऐसे हो गए जो आपने रील्स में देख लिए हो पर बहुत सारे आउटफिट ऐसे जो भी आपने देखे नहीं होंगे ओके दे क्या आप सबको देखना है आप मुझे कमेंट करके बताओ देखो ये सारे हमारे वेस्टर्न क्लास के आउटफिट है क्या आप सबको देखना है हमारे वेस्टर्न क्लास वाला आउटफिट जो ऑलरेडी हमारा खत्म हो चुका है ओके okay, तो उसको हम देखेंगे कि हमने वेस्टर्न वाले क्लास में कैसे कैसे आउटफिट रेडी किए हैं ओके okay, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने वेस्टर्न क्लास में ऐसा जैकेट गाउन बनाया है ओके okay? तो ये देखो कि हमारा पूरा योक वाला पार्ट है यहाँ पे बीच में हमने कुछ अलग फैब्रिक रखा है और ये सब कुछ हमने देखो कि ऊपर का जो जैकेट है ना वो हमने बनाया हुआ है आप इसको नजदीक से देख सकते हो कि सारे एक एक सिंगल सिंगल फैब्रिक को हमने ज्वाइंट किया है वहां पर लेस लगाई है पूरा पार्ट जैसे ऐसा ब्लाउज भी होता है तो ऐसा सीख के आप ब्लाउज भी बना सकते हो और इसका जो बैक साइड वाला पार्ट है वो पूरा डीप है इस तरह से और सारी सीक्वेंस हमने टक की हुई है ओके पीछे पूरा डीप नेक है यहाँ पे चेन और इसमें हमने अलग अलग फैब्रिक की सारी कली को ज्वाइंट करते हुए फ्लर बनाया है और इसका जो बेल्ट है तो उसको भी हमने पूरा रेडी किया अब हम बेल्ट को नजदीक से देखेंगे तो यहाँ पे देखो कि सारे लेस को ज्वाइंट किया है बीच में हमारा जो रील का थ्रेड है ना ये वही है उसमें से हमने ऐसे टेसल्स बनाए यहाँ पे लेस फिर वापिस नीचे सारे फेब्रिक को ज्वाइंट करते हुए लेस बनाया है और इसका पीछे का फिनिशिंग भी देख सकते हो ओके okay, इस तरह से हमने पूरा बेल्ट रेडी किया है और हमारा देखो पीछे का फिनिशिंग भी उतना ही अच्छा होता है जितना हमारा फ्रंट का होता है देन तो इस तरह से हमारा ये पूरा जैकेट गाउन है क्लीव में भी हमने नीचे इसी तरह से लेस लगाई है आप सबको कैसा लगा जैकेट गाउन आप हमें कमेंट कर सकते हो देन अब हम नेक्स्ट आउटफिट देखेंगे वैसे हम यहाँ पे तीन चार आउटफिट देखेंगे बाकी आप रील्स में देखने ही वाले हो तो यहाँ पे देखो कि हमने इस तरह से सेंटर पे मतलब सेंटर प्लीट्स ली है और ये वाली लेस हमने बनाई हुई है देखो ऐसे सारे बूटी बूटी को मैच करते हुए इसमें हमने बीच में ऐसे बिट्स लगाए हैं ओके यहाँ पे हमारी जो स्लीव है तो उसमें भी हमने ऐसे कट यहाँ पे क्लिप आई ऐसे ओपनिंग दिया है यहाँ पे हमने इस तरह से बैक साइड वाले पार्ट में भी प्लिट्स लिया है तो ये हमारी सेंटर प्लिट्स कुर्ती है तो आपको सेंटर वाली कुर्ती कैसी लगी इसका कॉम्बिनेशन कैसा लगा लेस पाइपिंग हमने जो भी लगाया है आप इसका भी कॉमेंट करके हमें बता सकते हो और नीचे देखो कि हमने इस तरह से राउंड राउंड कट किए तो इसको भी हमने क्लास में पूरा डिटेल में सीखा है कि राउंड वाला कट है उसको कैसे कवर करना है वो कैसे होता है ओके ऐसे हमने इस तरह से पूरा कवर कर दिया है और इसके बाद हम देखेंगे कफ्तान तो कफ्तान की हमने इस तरह से पूरी पैर रेडी की है कि जब इस टाइप का आपका कोई भी कफ्तान है जिसमें सेंटर में प्लीट्स होती है तो उसका लुक कैसे देना है उसका फिनिशिंग कैसे देना है पाइपिंग भी लगाया है ओके तो हमने वर्क किया है, हैंड वर्क जो तो दोनों साइड से इस तरह से पॉइंट जाएगा उसमें भी हमने टेसल्स लगाए हैं और ये कफ्तान का बॉटम है बॉटम देखो हमने कुछ अलग तरीके से बनाया है प्लाजो और धोती को मिक्स किया है तो साइड में हमारा काउल भी है और ऐसे स्ट्राइट है और इसके बाद हम लास्ट आउटफिट देखेंगे ये पार्टी वेयर गाउन है ओके और एक दो भी है तो ये देखो कि हमारा ऐसे स्लीवलेस मतलब आप पूरा इसको सिंगल भी पहन सकते हो अगर किसी पार्टी में आपको जाना है तो और एक क्लास में हमने सीखा है कि पूरे फैब्रिक को प्लीट्स कैसे लेना है ओके ये हमने देखो कि प्रेस की मतलब प्रेस लेके फैब्रिक को रेडी किया है मतलब ये प्लेन ही फेब्रिक था उसमें हमने प्रेस लगाई है और पूरा प्लीट्स वाला फेब्रिक रेडी किया है तो ये हमारा गाउन है और इसके ऊपर हमने एक जैकेट भी बनाया अगर किसी को स्लीवलेस पसंद नहीं है तो उसके ऊपर ऐसी जैकेट भी पहन सकते हैं तो जैकेट को कैसे कट करना है और इसका आइडिया लेके आप कोई अलग तरीके की भी जैकेट बना सकते हो और इसको भी हमने पूरा कवर किया है और इसके बाद हमारा सरारा हम देखेंगे लास्ट आउटफिट है पहले हम इसका दुपट्टा देखेंगे तो देखो कि दुपट्टे को हमने इस तरह से लेस से नीचे की साइड ऐसा टेस्ट लगा के उसको कवर किए हुए है दुपट्टे का कटिंग हमारा कुछ अलग है देखो यहाँ पे ओके नीचे से पॉइंट बन रहे है और जो भी पॉइंट बने हैं तो वहां पे भी हमने इस तरह से कोडी टक की हुई है तो ये हमारा दुपट्टा है और इसके बाद देखो कि हमने यहाँ पे टॉप बनाया है मतलब सरारे का टॉप है तो उसमें कहीं पे भी हमारी क्रीज नहीं है और ये भी प्लेट फैब्रिक में देखो हमने ऐसे पैटर्न बनाई है जैसे आप नजदीक से देख सकते हो कि पूरा प्रेस प्रेस मतलब किया है तो कैसे लेना है वो सब कुछ हमने सीखा है क्लास में और सब फ्रंट बैक दोनों साइड हमने इसमें बहुत सारे डांट लिए है पर एक भी डांट आपको दिखेगा नहीं सारे डांट हमने माइनस कर दिए है और उसके बाद लास्ट सरारा मतलब ये पूरी पैथ थी तो देखो फ्रंट फिक्स बैक प्लास्टिक और नीचे पूरा हमने थ्री लेयर का ऐसा सरारा बनाया है तो इसको कैसे कट करना है मतलब पहले लेयर से दूसरे लेयर में कितना फैब्रिक होना चाहिए आप कितना ले सकते हो ये हमने सेवन मीटर में पूरा बनाया है नीचे का मतलब सेवन मीटर में इतना ज्यादा हमने फ्लेयर बनाया है, तो उसको कैसे बनाया है उसको कैसे प्लीट्स लेना है उसको कैसे प्रेस लगाना है सब कुछ हमने क्लास में डिटेल में सीखा है तो ऐसे देखो कि हमने वेस्टर्न क्लास में वैसे तो बीस से भी ज्यादा आउटफिट मतलब से भी ज्यादा आउटफिट सीखे है पर मैंने यहाँ पे आपको शायद पाँच से छह आउटफिट बताए है शर्ट कैसे बनाना है कैसे पैंट बनाना है कैसे लूज आउटफिट बनाना है कैसे टाइट आउटफिट बनाना है वो सब कुछ वेस्टर्न क्लास ऐसा है कि जिसमें हमारे जो भी रेगुलर हम रनिंग में भी आउटफिट पहनते हैं तो वो भी हमारा कवर हो जाएगा अगर आपको कोई बाहर जाना है मैरिज में कोई पार्टी में तो वहां पे आपको जो आउटफिट बना है तो वो कैसे बनाना है वो भी आपको कवर मतलब उसमें हमारा हो चुका है देन वैसे अब हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है तो अब हम पहले ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे और उसके बाद हम आज के लाइव को एंड करेंगे और देन तो हमारा ब्लाउज जो रेडी हुआ है उसका हम फाइनल लुक देखेंगे क्या आपको पूरे ब्लाउज का फाइनल लुक देखना है आप मुझे कमेंट करके बताओ उसके बाद में पहनने जाऊंगी आपको उसका फिटिंग देखना है और वैसे हमारा ये ये जो मतलब तो तो लाइव था इसमें आप हमारे से मतलब ऐसे लाइव में बात नहीं कर सकते हो पर जो भी हमारा लाइव क्लास होता है तो उसमें पूरा क्लास खत्म होने के बाद डाउट भी रखते हैं तो जिसमें स्टूडेंट को जो भी डाउट है वो हमें ऐसे भी पूछ सकते हैं बाकी हमारी जैसे हम क्लास में जितना सिखाते हैं तो उसके बाद की भी हमारी फैसिलिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी है जैसे कि अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो ल भी कर सकते हो कहीं बार अगर हम आपको अर्जेंट है तो तो इसी तरह से हमारी पूरी मतलब ऐसे टीम वर्क है हमारा समझो कि चालीस लोगों की हमारी टीम है जो ऐसे काम कर रही है वैसे हमने ब्लाउज जो आज ढाई घंटे में सीखा ढाई या तीन घंटे में तो समझो कि अगर मैं अकेली वो काम करती तो वो नहीं हो पाता पर यहाँ पे हमारी पूरी टीम है दस से बारह लोगों की जो एक साथ में हम काम करेंगे तो इतने कम टाइम में हम आपको ज्यादा नॉलेज दे पाएंगे जिससे आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा आप कम टाइम में ज्यादा सीख पाओगे ओके okay? और आप मुझे वो भी बताओ कि आज का जो आपका ढाई से तीन घंटा गया वो आपको कैसा लगा मतलब आपने उसमें कुछ नया सीखा आपको फटाफट से हमें कमेंट करके बताना है क्योंकि आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि यस आगे मुझे मतलब आपको क्या नया सिखाना है क्या हम लाइव लेके आ सकते हैं जिससे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो गए कि जिसको सीखना तो सीखना तो होता है पर वो सीख नहीं पाते हैं तो हम ऐसा कुछ लाइव लेके आ सकते हैं वन मंथ में टू मंथ में जिससे आप हमसे कुछ नया सीख पाते ओके okay, सीख सकते हो ओके okay, तो फटाफट से अभी मैं ब्लाउज को ट्राई करूंगी हम पहले ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हमने आज जो भी ढाई घंटे की मेहनत की थी तो आप इसका फिटिंग देख सकते हो कि ये हमारे ब्लाउज का फ्रंट का फाइनल लुक है और ये हमारे ब्लाउज का बैक साइड का फाइनल लुक है आप सबको कैसा लगा ब्लाउज और देखो कि हमने यहाँ पे साइड में जो भी लास्टिक कम किया था ना तो अब देखो कि वो ज्यादा ही हो जाएगा मतलब वो साइज के हिसाब से हमारा एडजस्ट हो जाएगा मेन चीज लास्टिक यहाँ पे क्यों लगाना होता है आपको ऐसा लगेगा कि लास्टिक लगाया है तो मार्जिन तो हमारा निकल गया है पर देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो वेस्ट है ना इतनी टाइट हमें कंफर्टेबल नहीं होती है पर जब लास्टिक होगा हम हाथ ऊपर नीचे करेंगे देखो हाथ मैंने ऊपर किया मेरी ब्लाउज की जो वेस्ट लाइन है वो थोड़ी सी ऊपर भी नहीं आ रही है वो हिलेगी भी नहीं और हमें कंफर्टेबल भी रहेगा मतलब ऐसा टाइट भी मुझे फील नहीं हो रहा है क्योंकि साइड में लास्टिक है वो एडजस्ट हो जाएगा अभी भी देखो कि वो थोड़ा सा अगर मेरी वेस्ट थोड़ी भी बड़ी होती फिर भी वो एडजस्ट हो जाता क्लियर है और यहाँ पे देखो कि हमने नेक जितना भी लिया है उतना हमने परफेक्ट हमारा नेक है पाइपिंग लेस उसका फिनिशिंग आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा फिनिशिंग शोल्डर टू वेस्ट डाट तो यहाँ पे देखो कि डाट को हमने थोड़ा सा अंदर लिया था पर अंदर लिया इसलिए हमारा बराबर बैठा है आर्मोल में देखो हमारी कोई भी क्रीज नहीं है साइड में हमारा इस तरह से लास्टिक वाला पार्ट है और यहाँ पे आप बैक साइड वाला पार्ट भी देख सकते हो कि हमने जिस तरह से क्लिप आई लगाई है तो देखो कि बीच में कोई भी गैप नहीं और हमारी ब्लाउज की लेंथ इतनी शॉर्ट हो गई थी टू इंच जितनी पर फिर भी देखो लेवल एकदम परफेक्ट है ओके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारी फ्रंट की बॉडी सेप में है पर बैक की बॉडी कैसी होती है स्ट्रेट आप सबको ये वाले ब्लाउज का फाइनल लुक कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और क्या आपको ये वाला ब्लाउज गिफ्ट में चाहिए ये वाला ब्लाउज ए वाला ब्लाउज किसको चाहिए हाथ ऊपर करो ऐसे और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो ओके okay. वैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिन मतलब सारे स्टूडेंट को ब्लाउज चाहिए पर सबको तो मैं नहीं पॉसिबल सबको तो नहीं पॉसिबल होगा कि हमें वाला ब्लाउज दे पर कोई एक स्टूडेंट को दे पाएंगे तो उसके लिए हमारी थोड़ी सी कंडीशन है जैसे की हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे गूगल रिव्यू की तो जिसमें आपको आज का वाला क्लास कैसा लगा वो वाला रिव्यू भी आप शेयर कर सकते हो आपको ब्लाउज बनाना है आपको उसमें आपने जो बना, बनाया, उसको आप पहन के फोटो शेयर कर सकते हो आपके रिव्यू दे सकते हो उसमें से हमको एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसका भी ब्लाउज अच्छा होगा जिसका फिटिंग भी अच्छा होगा ओके उसको हम ए वाला ब्लाउज गिफ्ट करेंगे और आपको रिव्यू की लिंक आपको हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी में मिल जाएगी या फिर इंस्टाग्राम बायो में भी मिल जाएगी ओके okay? तो अभी हम आज का लाइव एंड करेंगे उससे पहले हम ब्रह्मांड को देखेंगे वो कब से वेट कर रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड भी थी कि ब्रह्मांड को दिखाओ ब्रांच, आई बोले। हम्म। ओके, अभी हम आज का लाइव एंड करेंगे। बाय एवरीवन। बाय और आप सबको आज का मतलब जो भी हमने आज सीखा हो, कैसा लगा वो आपको कमेंट करना है ओके बाय एवरीवन बाय बाय